بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. दर कुरान में इंशाल्लाह 10वें सिपारी का रुख करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें अमल की बातें जो हमें मिल रही है, ये भी बहुत खूबसूरत सिपारा है। सूरह तौबा भी इसी में आ रही है, और अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा जो है वो अमल की बात हम लेने की कोशिश करेंगे सूरह तौबा में से भी, और जो अभी सूरह अनफाल की कुछ आयतें बाकी उसमें से भी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. जैसे कि सूरह अनफाल जो शुरू हुआ था, पहली आयत में ही वो सब आपसे सवाल करते हैं, तो क्यों ये सवाल आया था तो उसके बाद अब उसका जो जवाब दिया जा रहा है कि माल गनीमत का करे क्या, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो है ना मक्का वाले, जब वो कभी ऐसा मौका लगता था, जंग हो रही, कुछ हो रहा है, तो जो माल गनीमत मिलता था तो मतलब ऐसे होता था कि बस लूट मार के जरिए जिसके हाथ जो लगा वो ले गया, ऐसा होता था। हाँ, लेकिन उससे भी पहले क्या होता था कि जो भी माल गनीमत, क्योंकि जंग वगैरह तो हर दौर में चलते ही रहते थे ना, जो भी माल गनीमत मिलता था उसको जो है वो आसमान से एक आग आकर जो है वो ले जाती थी। पहले के दौर में ऐसा होता था। अब हुआ क्या कि गज़वे बदर में जो हासिल शुदा जो माल गनीमत थे, तो उस पर सवाल उठा था ना, तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की जो है 41 आयत नंबर 41, सोचिए जरा 40 आयतों के बाद अल्लाह ताला ने जवाब दिया यहाँ पर, और 40 आयतों में खूब उनका तस्किया किया गया। तो ये देखिए कि क्या बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सवाल किसी से करे तो उसका फ़ौरन जवाब उसको दे दिया जाए या फ़ौरन जवाब उसका मिल जाए। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या है वो बात, क्योंकि देखिए तज़किए के बगैर अगर कोई चीज़ किसी को मिलती है ना इंसान को, तो उसकी कदर नहीं करता इंसान, चाहे वो कुछ भी हो, माल हो, कोई भी चीज़ हो उसको, तो वो अगर उसको बहुत ज़्यादा अगर अल्लाह के रास्ते में आजमाइशें ना आए, कुछ ना आए और यूं ही उसको मिल जाए ना, जैसे एक आम सी बात हमने सुनते हैं ना हम नॉर्मली लोगों में, कि जैसे आसानी से मिली हुई चीज़ की ना लोगों को कदर नहीं होती है, उसी वही बात है। तो जब 40 आयतों के बाद अल्लाह ताला यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि खूब जान लो, दर हकीकत माले गनीमत जो है जो तुम्हें हासिल हुआ है कुछ भी, फिर बेशक अल्लाह के लिए है उसका पांचवा हिस्सा, और रसूल के लिए, कुराबतदारों के लिए, यतीमों के लिए और मिस्किनों के लिए, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसमें से जो है पांचवा हिस्सा, यानी उसका पांच हिस्सा किया जाएगा माले गनीमत का, और उसमें से यानी समझो कि चार चार हिस्सा किसको दिया जाएगा, चार हिस्सा उसको कि जो वहाँ उसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने वो मुहाजरीन, वो मुजाहिद जो थे जिहाद करने वाले और हिजरत करने वाले वो लोग जो थे, यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि माल जो है ना वो किसी एक के पास ना चला जाए बल्कि सारे लोगों का जो है उसमें हक रहे। उसी तरीके से अब जो बाकी जो पांचवा हिस्सा बचेगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, और उनके कुराबतदारों को और यतीमों को, मिस्किनों को, फिर उसी में से सबकी जो है वो बांट होगी। अब आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे, देखिए कि अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान रखते हो अल्लाह पर, और किस पर, उस पर जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, और यौम फुरकान के दिन जिन जो दो ग्रोह जो थे उनकी मुठभेड़ हुई थी,
क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं इस बात पर अमल करो। और योम फुरकान यहाँ पे किसको कहा गया, ये गजवे बदर को कहा गया। क्यों इसको योम फुरकान कहा जाता है, क्योंकि उस दिन यानी ये जंग जो थी गजवे बदर, ये जो है ईमान वाले और मुसलमान और काफिरों के बीच में पहली जंग थी। उसी दिन अल्लाह ताला ने काफिरों को जो है काफिरों की सजा दी, ईमान वालों को जो अल्लाह को देना था वो दिया बाने, और उसी दिन जो है वो हक को हक करके दिखाया अल्लाह ने, बातिल को बातिल। इसीलिए अल्लाह बोल रहे हैं कि फुरकान वाले दिन जब दो ग्रोह जो आमने सामने हुए थे। ओके, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। कोई सोचे कि ये मामला ऐसे कैसे हो गया, तो क्यों भूलते हैं लोग कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अब गजवे बदर का एक मंजर पेश किया जा रहा है आयत नंबर 42 में। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जरा उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो कि जब तुम थे वादी के इस किनारे पर और दुश्मन थे उस किनारे पर, ये बताया जा रहा है, और सवार फौज जो नीचे की जानी थे तुम्हारे, ये जो है इस तरफ मुसलमान थे उस तरफ जो बोल रहे अल्लाह ताला, तो काफिर यानी अबू जहल का काफिला था, और जो जो सवार फौज थी वो असल में इसकी थी, अबू सुफियान की। अबू सुफियान का जो लश्कर था ना, वो जो है काफिले के साहिल की तरफ था, और पूरा मालो दौलत से उसके जो काफले थे वो पूरे लदे हुए थे। अब अल्लाह ताला क्या बता रहे, देखिए। ओके, अल्लाह ताला बता रहे कि देखो, और अगर तय हुई होती, यानी ये जो मुकाबला तुम्हारे साथ होने वाला है, यानी अल्लाह ने ये मामला अचानक करवाया उनके साथ, कोई भी जंग का इरादा नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये अबू सुफियान जो मक्का की तरफ से दूसरी तरफ से आ रहा है, अबू जहल को पता चला तो वो भी अपना लश्कर लेके आ गया कि हाँ चलो चलो आज ये मुसलमानों पे हाथ साफ करेंगे। और पीछे हमने पढ़े कि कावे के गिलाफ पर पकड़ कर और दुआ करके आया था कि अल्लाह ताला जो हम में से हक पर है ना, तो तू जो हक पर नहीं है उस पर बारिश बरसा दे पत्थरों की, और उसको जो है निस्तो नाबूद कर दे। ये दुआ करके निकला था वहां से, मक्का के काबा के गिलाफ को पकड़ के दुआ करके निकला था, और ये दुआ करके निकला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से लड़ने के लिए। अब हुआ क्या वहां से, हर तरफ बोल रहे अगर ये अचानक मामला ना होता ना, तो क्या हो जाता, तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफ हो जाता, यानी अल्लाह ताला ने अचानक ये जंग करवा दी थी, ऐसा अल्लाह ताला बोल रहे। ओके, फिर हुआ क्या, और लेकिन यानी कि तुम्हारे दरमियान जो है वो इख्तिलाफ हो जाता। क्यों इख्तिलाफ हो जाता, क्योंकि यानी मुकाबला तो देखिए 313 सहाबा और उसमें से 1,000 लोग सामने से मुकाबले में, तो इनके जो मतलब ये तो बहुत घबरा जाते ईमान वाले, कह रहे हम कैसे लड़े कैसे जाए करके इस तरीके से। लेकिन देखिए क्या होता है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं वला किल्लिया अमरन का नमफ़ाउला, अल्लाह ताला जो है अपना काम करके ही रहते हैं। अल्लाह ताला का ये है कि अल्लाह ताला हालात कैसे भी हो, हालात को क्रिएट करके अल्लाह ताला को जब अपना काम किसी से करवाना है ना, माहौल बनाते हैं और हालात को क्रिएट करते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से जंग का जो है पूरा नक्शा खींचा, हालात पैदा किए, और इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये मामला किया। क्यों किया, लिया हली का मन हला का आम, कि जिसको मरना है वो वाज़े निशानी पर मरे, और जिसको जीना है ना वो वाजे वाजे निशानी पर जिए। ये क्या बात हो गई, ये कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिसको जीना है ना तो वो फिर अल्लाह के हुक्म पर रह के जिए, और नहीं जीना है तो फिर वो ऐसे ही जो है वो बेकार में हलाक किया जाएगा, और बेशक अल्लाह यकीनन सुनता और जानता है। अब आगे क्या बताया जाए, क्यों ऐसा कि देखो अगर अल्लाह ताला लोगों से पूछ कर काम करे तो फिर कभी जंगे बदर नहीं होती, जंगे उहद भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। फिर अल्लाह ताला को जो करना है अल्लाह ताला करते हैं अपना काम। अल्लाह ताला बोल रहे और हाँ उस वक्त को भी याद करो, ये कौन सा वक्त है कि जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उस ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को भी याद करो जब अल्लाह ताला आपको ख्वाब में दिखा रहे थे थोड़े। क्या अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया, किसको, काफिरों को थोड़ा करके दिखाए, थे 1,000 की तादाद में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को एक तसल्ली देने के लिए जो है ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए कि काफिरों की तादाद थोड़ी है, और अगर दिखा देते तुमको बहुत सारे, यानी अल्लाह ताला अगर ख्वाब में और ईमान वालों को बड़ी तादाद में अगर इन लोगों को दिखा देते ना, तो यकीनन तुम हिम्मत हार जाते। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम हिम्मत हार जाते और तुम आपस में तनाजा करने लगते अपने काम में, अपने मामलात में। देख क्या पता चला कि अल्लाह ताला किस तरीके से अल्लाह ताला ने मामलात को जो है वो एकदम हैंडल किए, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं और लेकिन अल्लाह उसने बचा लिया तुम्हें, बेशक अल्लाह तो सीनों की बातों को जानता है। ठीक है, देखिए ये बताया जा रहा है कि ईमान जब है ना बड़ा इंसान का जब ईमान बढ़ता है ना, तो वो अल्लाह के काम को बहुत आसानी से कर लेता है।
ईमान असल में होना चाहिए बंदे के अंदर, तो अल्लाह के हुक्म के बड़े से बड़े काम को भी आसानी से कर लेता है, और कमजोर ईमान रहता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है, दीन पे अमल भी नहीं कर पाता है। अब आगे और अल्लाह ताला बता रहे हैं मुकाबले की बातें कि उस वक्त को भी याद करो जब वो जो है वो दिखा रहा था उन्हें, यानी अल्लाह ताला ईमान वाले को दिखा रहे थे कभी मुकाबले के वक्त, तुम्हारी आंखों में थोड़े, यानी ईमान वाले जब गए ना जंगे बदर के लिए, 1000 की तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी आंखों में कुछ ऐसा कर दिया था ईमान वालों की आंखों में कि वो 1000 की तादाद जो है ना इनको थोड़ी दिख रही थी। तो क्या हुआ, इनकी हिम्मत बढ़ गई, किसकी, ईमान वालों की, सहाबा की हिम्मत बढ़ गई। अल्लाह ताला बोल रहे हैं वह युकल्लिलुकुम के और कम दिखा रहे थे तुम्हें तादाद को उनकी आंखों में। सहाबा 313 थे, लेकिन काफिर की आंखों में अल्लाह ताला सहाबा को और कम करके दिखा रहे थे, क्यों, ताकि वो लोग उन लोगों की हिम्मत बढ़े, चलो चलो हम तो कर सकते हैं सब कुछ। देखो इस तरीके से यहाँ ईमान वालों की हिम्मत बढ़ी उनको कम दिखा के, और उन लोगों की और हिम्मत बढ़ी कि हाँ चलो चलो, इस तरीके से काफिर इधर आएंगे तो ये ईमान वाले वैसे ही मार देंगे उनको, इस तरीके से अल्लाह ताला मामला कर रहे थे जंगे बदर में। वही तुरजुल उमूर, और सारे वैसे भी सारे मामला तो अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं। अब अगली आयत में जो अल्लाह ताला बताए, देखो के दीन का काम देखिए साबित कदम से होता है, आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ राज ऐसे के शिकस्त को इंसान जो है वो जीत में कैसे बदल सकता है, क्या तरीका है वो, या मैदान जंग में अगर किसी को मदद चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, दुश्मनों को अगर किसी पर गालिब आना है तो उसका राज क्या है। अगली आयतों में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हें दुश्मनों पे गलबा चाहिए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थ्बुतू, क्या करो, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए किसी भी ग्रोह से तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, साबित कदम रखना है, क्योंकि दीन का काम जो होता है ना वो साबित कदम ना रहे तो फिर अल्लाह के दीन का जो है वो इंसान बर्बाद कर दे, बिल्कुल भी कर ही ना सके उसका काम। क्योंकि देखिए यहाँ पर इंसान, यानी कि देखो कि अगर साबित कदम नहीं रहेगा, अल्लाह ने उसको दीन दिया, साबित कदम नहीं रहेगा तो दूसरों को क्या जमाएगा, और कभी ऐसा लगे ना कि साबित कदम नहीं हो रहे हो, या चलो आप साबित कदम हो गए हो ना, करने का दूसरा काम क्या है, वस कुरुबाह कसीरा, तरह बोले सुस्ती आ रही तुम्हें तो अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा करो, क्यों, हो सकता है कि तुम फला पा जाओ। यानी कभी तुम्हें दीन के काम में सुस्ती आए ना, मुझे करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा वैसा ये वो, फौरन अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो, फिर देखिए कितनी फुर्ती आपके अंदर आएगी। ओके फिर यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि देखो आगे अल्लाह ताला बता रहे नंबर 3 क्या करना है, वती अल्लाह व रसूलहु, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। चौथा काम क्या करना है, और नहीं तुम तनाजे में पड़ो, किसमें, आपस में अगर तुम अपने ही फिरका वारियत में पड़ जाओगे ना तो तुम फिसल जाओगे, मकसद से हट जाओगे, और फिर तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज देखिए आज के मुसलमान का यही तस्वीर है कि आज के मुसलमानों से कोई क्यों नहीं डरता है, क्यों, क्योंकि आज का मुसलमान इन तमाम चीजों से हट के काम कर रहा है, तफर्रुक में पड़ा हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें जो है वो मानता नहीं है, और अल्लाह के जिक्र ज्यादा नहीं करता, और इसीलिए तो साबित कदमी नहीं है उसकी। पांचवा काम क्या करना है, सब्र पर जमे रहो, अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं, देखो सब्र पर जमे रहो। ओके फिर अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि देखो जब इंसान चार काम करेगा ना तो अल्लाह का वादा है कि इन अल्लाह मा सबरीन, फिर बेशक अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। ये हो गई, अब करना क्या नहीं है, छठा काम, वला तकूनो, और नहीं तुम हो जाओ उन लोगों के जैसे जो निकले उनके घरों से इतराते हुए और रियाकारी करते हुए, लोगों को दिखाते हुए, और वो सब रोक रहे थे अल्लाह के रास्ते से, और अल्लाह वो जो वो कर रहे थे ना सब घेरे हुए अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर। फिर ये क्या हुआ, इस तरीके से जब यानी कि लोगों को जो है वो दिखाने के लिए, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने के लिए जब निकल रहे थे, तो ये जो काम कर रहे थे ना, यानी देखिए ये बताया जा रहा है कि लोग अपने आप में इतराना, आज आज मुसलमान का, कुछ मुसलमानों का यही हाल है कि क्या करते हैं, दीन में दिखावा करते हैं, और फिर दीन में दिखावा करने की वजह से अल्लाह की मदद उठ जाती है उन पर से, फिर वो मेरा क्या बोलते हैं, मेरी जमात, मेरी मस्जिद सबसे बड़ी, मेरी मस्जिद आलीशान, जब लोग इस तरीके का दीन में बिगाड़ पैदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर उनके अमाल को शैतान है ना जो मुजयन कर देता है, बहुत ज्यादा डेकोरेट कर, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे, अरे तुम्हारी जमात तो बहुत अच्छी, तुम्हारा फिरका तो बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो कल अला गालिबु लकुम अलयौम, और इस तरीके से, क्योंकि असल में एक मामला हो गया था ऐसा कि वहां पे जो एक ये था
एक सरदार था मक्के का, तो उसके साथ कुछ मामला हो गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। तो उसकी शक्ल में शैतान इनके बीच में आ गया, शैतान इनके बीच में आया, उसकी शक्ल है सुकारा, पता नहीं क्या, कल शायद बताया था मैंने इसका नाम, लेट मी सी क्या नाम था, आयत नंबर 48, एक मिनट। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, मुशरिकान ने मक्का जब मुशरिकान मुशरिकिन जब मक्का से रवाना हुए, तो उन्हें अपने दुश्मन कबीले बनी बकर बिन कनाना जो था, एक कबीला था, से अंदेशा था कि वो पीछे पीछे उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। ओके, चुनांचे शैतान ने उस कबीले के सरदार जो सुराका बिन मालिक, सुराका मुझे नाम नहीं याद आता इसका, सुराका बिन मालिक की सूरत बनाकर आया, और मुशरिकिन ने मक्का को ना सिर्फ फतेह व गलबा की बशारत दी, बल्कि अपनी हिमायत का पूरा पूरा यकीन दिलाया, यानी उसकी शक्ल में आके कि चलो चलो हमें भी जो है ना वो उन लोगों से जो है वो बदला लेना है, हम भी उनसे बदला लेंगे, और उसकी शक्ल में आके और ऐसे ऐसे इनको जो है ना मतलब रغبत दिला रहा था, हाँ चलो चलो आज तो तुम ही लोग जीतोगे, तुम्हारे मुकाबले में तो आज कोई भी नहीं है ऐसा वैसा। लेकिन हुआ क्या, लेकिन है ना जब अल्लाह ताला की मदद यानी फरिश्तों की सूरत में उसने मदद देखी ना, कि अल्लाह ताला जो है वो सहाबा की मदद कर रहे हैं, तो जो देख कर है ना अपनी एड़ियों के बल भाग खड़ा हुआ। क्यों भाग खड़ा हुआ और क्या कहने लगा, फिर उसकी बात अल्लाह ताला नोट कर रहे हैं यहाँ पर, कि क्या शैतान कहने लगा कि नहीं गालिब आएंगे तुम पर आज के दिन इंसानों में से कोई भी, और बेशक मैं जो तुम्हारा साथी हूँ बहुत अच्छा साथी हूँ। ओके, फिर जब उसने देख लिया दो ग्रोह को, उसने जब देख लिया ग्रोह को कि वो लोग जो, और फिर अपनी एड़ियों पर जो है वो फिर गया, फिर क्यों और क्या कहने लगा, इन्नी बरी उम्मिनकुम, कि बेशक मैं तो बरी हूँ तुमसे, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, बेशक मैं देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे हो, और मैं तो अल्लाह से बहुत डरता हूँ बाबा, अल्लाह बहुत सख्त पकड़ वाला है। देखो जरा यही होता है, ऐसे शैतान है ना ऐन वक्त पर जो आके ना दगा देता है, देखो शैतान का यही मामूल है, ऐन टाइम पे आपको दगा देकर भाग जाएगा। उसने देख लिया था फरिश्तों का लश्कर आसमान से उतरते हुए, अल्लाहू अकबर। अब देखिए अगले जो आते हैं, ओके अगले आते अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, इज यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद, और जब कहा, और जब कहा मुनाफिकों ने और लोगों ने जिनके दिलों में मर्ज है, क्या कहा कि अरे इनके दीन ने तो इनको धोखे में डाल दिया है। ये क्या बताया जा रहा है कि इनके दीन ने इनको धोखे में डाल दिया है, और जो अल्लाह ताला लेकिन बोल रहे हैं, और जो वो तवक्कुल रखता है अल्लाह पर, फिर बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ओके, और उसके बाद अल्लाह ताला आगे जो बता रहे हैं कि और अगर तुम देखो जब रूह कब्ज करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कुफ्री किया, ये मेरे फरिश्ते जब रूह कब्ज कर रहे थे ना, तो वो मार रहे थे उनके चेहरों पर और उनके पीठों पर, और कह रहे थे चखो चखो अजाब जलने का। ये क्यों हुआ उनके साथ, इस मामला क्यों किया अब्बा ने, इसलिए इस वजह से जो उनके करतूतों ने आगे भेजे थे, और बेशक अल्लाह नहीं जुल्म करता अपने बंदों पर, अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है बिल्कुल भी। और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए कि सेम अल्लाह ताला कंपेयर कर रहे हैं फिरौन वालों से, ताल्लुक अल्लाह ने जोड़ा है कि देखो जिस तरीके से ये फिरौन वालों का हाल हुआ था और वो लोग जो उससे पहले थे, क्यों अल्लाह ने इनके साथ ये यानी जहन्नम का अजाब दिया, क्यों, इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, फिर अल्लाह ने पकड़ लिया उनको उनके गुनाहों के सबब, बेशक अल्लाह जो है वो कभी शदीद पकड़ वाला है। ना हो अकबर। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह के ऐसे लोगों की अल्लाह पकड़ नहीं करते, कैसे लोगों की, कि मतलब जैसे कि कोई बस्ती वाले हैं वो हैं, और बिल्कुल भी समझो कि वो उनके पास पैगाम नहीं पहुंचा है, या फिर उनका हाल जब तक वो चेंज नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हम भी ऐसे लोगों को पकड़ नहीं करते। तो बात क्या है कि अल्लाह ताला बता रहे आयत नंबर 53 में कि ज़ालिका बि अन्नल्लाहा लम यकुन, अल्लाह ये जो मामला हुआ बेशक के अल्लाह नहीं है बदलता, अल्लाह की सुन्नत नहीं है कि वो बदल दे उन नियामतों को जो उसने इनाम किया है किसी कौम पर, यहाँ तक के उस कौम के लोग खुद बदल दे अपनी सोच और रवैये को। बहुत बड़ी दलील है इस चीज की, ये बहुत बड़ी दलील है कि इंसान जब तक अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है, तो अल्लाह ताला भी उसको नहीं बदलते हैं। और अल्लाह ताला कैसे हैं, वो अल्लाह समीउल अलीम, अल्लाह ताला बेशक सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ जानते हैं, ये बताया जा रहा है। देखो और फिर इसके जैसे एक शेर भी है, क्या है वो, देखो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का,
कि वो कौम की हालत बदल ही नहीं सकती है जब तक वो कौम के लोग खुद अपनी हालत को बदलना न चाहें। ओके, फिर अल्लाह ताला ने देखो कि ये जो मामला किया जंगे बदर में अबू जहल के साथ और काफिरों के साथ, अल्लाह ताला ने इनको आले फिराउन से क्यों कंपेयर किया? कदा भी आले फिराउन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हाल तो इनका ऐसा है जैसे आले फिराउन का और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, क्यों ऐसा कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बदर वाले जो थे काफिर ना, उनको भी मार कर कुएं में फेंका गया, जंगे बदर जहाँ हुई थी, बदर में आज भी वो कुआं मौजूद है वो मैदान में। इसी तरीके से अल्लाह ने फिराउन वालों को भी जो है वो जो पानी में डुबाया था, कुएं में भी पानी होता है। इस तरीके से अल्लाह ताला कंपेयर कर रहे दोनों को। दोनों का ये क्या था जुर्म? इनका दोनों का जुर्म ये था कि उन्होंने झुटलाया था आयतें उनके रब की, अहलक ना हूं फिर अल्लाह ने हलाक कर दिया, अल्लाह अकबर, उनके गुनाहों के सबब, वह अग़रक ना आले फिराउन, और अल्लाह ताला बोले हमने गर्क कर दिया आले फिराउन को। क्यों? वकुल्लु कानू वालिमीन, कि दोनों वो जुल्म करते थे, दोनों शर्कस थे, जमीन अपने आप को बड़ा मानते थे, अल्लाह ताला ने इसलिए उनको जो है हलाक कर दिया। अब अल्लाह ताला बता रहे कि देखो बहुत बहुत ज्यादा जो है समझने की बात है, आयत नंबर 56 से गौर करिएगा कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरी तमाम मखलूक जो चलने फिरने वाली है उसमें पता है सबसे बदतरीन सबसे घटिया अल्लाह के नजदीक कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अल्लाह की आयतों को मानते नहीं है और इनकार करते हैं और ईमान नहीं लाते। सोचिए जरा, आप मत सोचिएगा कि ये सिर्फ काफिरों के लिए आयते हैं, हर वो इंसान इस आयत पर फिट होगा जो किताब और सुन्नत को नहीं मानता है। इन्ना शर्रद दवा बी इन दवाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन मकाम ऐसे लोगों का है, सबसे घटिया चीज, सबसे घटिया लोग कौन है? जो अल्लाह की किताब और सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लज़ीना अहदता मिनहुम, और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग तोड़ देते हैं। ओके, आयत नंबर 56 देखिए। ओके, और वो लोग जो जिसने अहद किया तुमसे यानी ईमान वालों से, फिर वो तोड़ देते हैं अपने अहद को, हर बार तोड़ देते हैं और वो नहीं डरते हैं अहद तोड़ने से। यानी अल्लाह ताला आप कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं कि जिससे अगर जो लोग वादा खिलाफी करते हैं तो उनके साथ क्या मामला करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोग जो वादा तो आपसे करते हैं तोड़ते हैं, करते हैं तोड़ते हैं, फिर अगर अल्लाह ताला ने बता रहे क्लियरली, फिर अगर तुम पा जाओ ना उन्हें जंग के मैदान में तो उनको ना घसीटो और इस तरह उनको कुचलो, इतना मारो ना उनको। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये इनका इनका जो हाल ऐसा करो ना तुम कि इनके जो अगले पिछले है ना उनको इबरत हासिल हो जाए कि देखो वादा तोड़ने की सजा क्या होती है। और अगर तुम्हें तुम्हें डर हो ऐसी कौम के खयानत का, फिर क्या करो ऐसी कौम के खयानत का, फिर क्या करो उनके अहद को उनके ऊपर सामने ही दे मारो, बेशक अल्लाह नहीं वो पसंद करता है खयानत करने वालों को। मतलब एक ही देखिए ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक 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 कौम दूसरी कौम से वादा ले रहा है और किसी, ये आजकल तो आज भी होते हैं लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो होती है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बहुत क्लियर कट वादा जो तुम्हारा तोड़े तो तुम भी उनके वादे का लिहाज मत करो। हाँ लेकिन देखो ये इस तरीके से वादा तोड़ते थे और गुमान क्या करते थे, और ना समझे ऐसे लोग, ना समझे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है कि वो सबकत ले सकते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इतना वादा खिलाफी करते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ताला इनके बारे में कुछ पकड़ भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इन्नहु ला युजिजून, और अल्लाह को ये हरा नहीं सकते, अल्लाह को हरा नहीं सकते, अल्लाह को जो करना है वो तो अल्लाह ताला करेंगे। अब अल्लाह ताला कुछ एटिकेट, कुछ मैनर सिखा रहे हैं ईमान वालों को कि अपने आप को और तैयार रखो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो वादा शिकनी करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तैयार रखिए जितना हो सके तुमसे ताकत कुव्वत और तैयार घोड़े जिनसे तुम धाक जो है वो जमा रखो अल्लाह के दुश्मनों पर और अपने दुश्मनों पर, और दूसरे वो जो इनके अलावा हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो लेकिन अल्लाह ताला जानता है, और जो भी तुम खर्च करोगे कोई भी चीज अल्लाह के रास्ते में पूरा पूरा दे देगा तुमको तुम्हारी तरफ, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि अपने जान और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाओ, दीन को दफा करो, दीन की जो है वो कोशिश करो उसको बचाने की। ये अल्लाह ताला बहुत क्लियर कट बात बता रहे हैं। अब क्या बताया जा रहा है? अब आ रहे? हेलो, आप भी आ रही है? ओके ठीक है।
तरह बोल रहे हैं कि दीन को बचाने के लिए जितना हो सके तुम अपने माल, अपने असबाब, सारी चीजें लगाओ अल्लाह के रास्ते में, ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ना अगर देख, उसके बाद आयत नंबर 60 में ये हो गई बात, आगे अल्लाह ताला 61 में क्या बता रहे हैं, ओके। और अगर वो झुकते हैं, सुलह का पैगाम तुम्हारी तरफ डालते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे ठीक है ना, आप उनके सुलह के पैगाम को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप भी झुक जाइए, झुक जाइए जाहिर को देखकर, और अल्लाह पे भरोसा करते रहिए, बेशक वही सुनता और खूब जानता है। देखिए इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई जा रही हैं इस ताल्लुक से, ओके। फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे, और अगर वो सब चाहें कि वो क्या कर दे, धोखा आपको, अगर धोखा देने की कोशिश करेंगे ना वो लोग आपकी तरफ, दुश्मन सुलह का पैगाम डाल रहा तो आप मान लीजिए, हाँ अगर वो धोखा देने की कोशिश करेंगे ना, तो बोल रहे फिर आपके लिए अल्लाह ताला काफी है, अल्लाह आपको काफी हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या पता चला कि देखिए दीन जो है ना, देखिए कितनी प्यारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। दीन सिर्फ रोजा नमाज नहीं सिखाता है हमें, ताल्लुकात किस तरीके से, किसको हैंडल करो, क्या करो, इस तरीके से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, ओके, मुझ पर भरोसा रखिए, और उसी ने, यानी अल्लाह वो जात है जिसने आपकी हेल्प की, अपनी इतना आपको, यानी इतनी हेल्प की अल्लाह ताला ने, और ईमान वालों के थ्रू आपकी मदद की। क्या पता चला कैसे कैसे अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प की, किस तरीके से। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, यतीम थे, गुर्बत में थे, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको मक्का से लेकर मदीने में जगह दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मकाम, सहाबा जैसे प्यारे प्यारे साथी दिए दीन की हेल्प के लिए, है ना। वो कहते हैं ना कि तन्हा चले थे काफले की तरफ, है ना, और फिर काफला मिलता गया, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, काफला बनता गया। तो ये देखिए कि दीन पे कोई बात नहीं, आप अकेले हो, चलिए साबित कदम रहिए, अल्लाह ताला कभी ना कभी कामयाबी आपको देंगे ही देंगे, लेकिन उस पर तवक्कुल रखिए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो और क्या क्या मैंने आपके लिए किया, और आपके लिए उनके दिलों में उल्फत डाल दी, ईमान वालों, यानी सहाबा जो थे नबी करीम सल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, तो अल्लाह ताला याद दिला रहे कि देखो आप कैसे थे, आपके लिए अल्लाह ताला काफी है, आप दीन का काम करते रहिए, और अगर आप, हाँ अगर अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं देखो कि अगर आप लगा देते जो कुछ जमीन में है ना सब कुछ, तो भी यानी जमीन में जो कुछ चीजें हैं वो तमाम चीजें भी अगर आप खर्च कर देते ना, तो भी आप जो है उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते थे। क्या पता चला, इंसान का इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह ताला ही मोहब्बत डालते, आप और मैं किसी भी चीज को खर्च करके किसी के दिल में मोहब्बत नहीं डाल सकते, अल्लाह बोले, लेकिन अल्लाह उसने मोहब्बत डाल दी थी, बेशक वो जबरदस्त हिकमत वाला है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ए नबी काफी है आपको अल्लाह, और जो भी आपकी इत्तिबा करेगा मोमिनों में से, फिर देखिए कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला उसको काफी हो जाएंगे, बहुत प्यारी बात है। फिर देखो कि आज ये वादा क्यों पूरा नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं काफी हूँ तुम्हारे लिए, तो आज मुसलमानों का वो ईमान ही नहीं रह गया, तो फिर अल्लाह ताला कैसे काफी होंगे इनके लिए। आगे अल्लाह ताला बोल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखिए आप क्या करिए, आप ये करिए कि ईमान वालों को जो है अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए उभारते रहिए, उनको एनकरेज करते रहिए, यानी कि देखिए किसी की मतलब उम्मीद पर जिंदगी है इंसान की, डेफिनेटली, यानी अगर इंसान उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला उसके अजर को जाय नहीं करेगा, तो उस उम्मीद पर वो काम कर ले। अतः बोल रहे हैं आप सिर्फ है ना उनको एनकरेज करिए, आगे का काम सारा मैं संभाल लूंगा, कैसे कि अगर उनमें 20 लोग सब्र करने वाले होंगे ना, तो डेफिनेटली वो गालिब आ जाएंगे कितने लोगों पर, अगर 20 लोग होंगे तो वो 200 लोगों पर जो है वो गालिब आ जाएंगे, लेकिन सब्र पर जमे रहेंगे तो, अगर अगर वो होंगे 100 तो वो गालिब आ जाएंगे 1000 लोगों पर, उन लोगों पर जिन्होंने कुफ्र किया। यानी ईमान वाले का जो है क्वांटिटी डज नॉट मैटर, अगर तरह बोल रहे ईमान वाला जमे रहना चाहिए, उस ईमान पे पक्का रहना चाहिए, तो काफिर उसके मुकाबले में कितने भी आ जाए अल्लाह ताला ईमान वाले को हारने नहीं देते हैं। इस अल्लाह ताला बोल रहे ये क्यों, कि इसलिए कि ऐसे लोग जो है ना इनको अकल नहीं है कि ईमान वाले के साथ अल्लाह ताला है, काफिरों को अकल नहीं है इस चीज की। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं देखो, अल आन अल्लाह ताला बोल रहे अब जो ये ना अल्लाह ने, अल्लाह को पता था कि मतलब देखो सच्चे मोमिन जो है ना उनका मतलब क्वांटिटी नहीं, अल्लाह ताला मोमिनों का जो
मतलब मोमिनों के कैसा ईमान का वजन होता है। हल्का फुल्का आदमी है लेकिन उसका अगर ईमान पुख्ता है ना, तो वो कितनी बड़ी जमात को भी जो है मात दे के आ सकता है। ये अल्लाह ताला समझा रहे हैं इस आयत में। फिर अल्लाह बोल रहे हैं नहीं, ये कुछ ज्यादा रेशो हो गया है, एक काम करते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं आयत नंबर 66 में कि अब है ना अल्लाह ने ये हल्का कर दिया तुम पर और जान लिया था कि तुम में कमजोर लोग भी हैं। ये देखें कि फिर अगर हो तुम में से 100 लोग होंगे ना, और वो 100 लोग अगर सब्र वाले होंगे ना, तो अल्लाह ताला बोल रहे वो 200 पर गालिब आ जाएंगे। अब ये रेशो कितना हो गया, 1:2, यानी एक ईमान वाला 2 काफिरों के लिए काफी है उनको मारने के लिए। और अगर उनमें 1,000 लोग होंगे ना, तो 2,000 पर गालिब हो जाएंगे लेकिन अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ है। क्या पता चला, देखें जितना ईमान तवक्कुल तकवा मजबूत होगा ना, उतना ही वो इंसान जो है ना दूसरे पे भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। असल चीज यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर अगर असल चीज क्या पता चली, ईमान, ईमान तकवा अल्लाह का डर, ये चीजें थी जो सहाबा को अल्लाह ताला ने जंगे बदर जो है वो जीतवा दिया था। ओके, हुक्म बहुत सख्त है, ये बहुत ज्यादा सख्त हुक्म है ये। ओके, अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नहीं है किसी नबी के लायक ही नहीं है, ये जेबा ही नहीं देता है कि अभी हो उसका कोई कैदी, यहाँ तक के वो उसके साथ क्या मामला करे। अब ये जो बातें हैं ना, इंशाल्लाह यहाँ से आई थिंक तकरीबन 65 से हम देखते चले आ रहे हैं, तो यहाँ से तकरीबन 70 आयत तक जो है, अब ये गजवाए बदर में 70 जो लोग थे ना, 70 काफिर वो कैदी बनकर आ गए थे। तो अब वो सवाल उठ गया था कि किया क्या जाए इनके साथ, क्या किया जाए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं किसी भी नबी को ये जेबा नहीं देता है कि मतलब हो उनके पास कैदी, यहाँ तक के वो कुचल दे, यानी जंग के जोर को कुचल दे जमीन में। तुम्हारा इरादा अगर दुनिया का फायदा है, तो अल्लाह चाहता है कि आखिरत तुम्हारे लिए, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ये क्या बात हो गई। अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि अभी 70 कैदी जो आए, तो सवाल उठा कि आपका अब इनका किया क्या जाए। साहबा पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह इनका किया क्या जाए। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मशवरे से काम करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से पहले पूछा तो आप क्या मशवरा देते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने क्या मशवरा दिया पता है आपको, उन्होंने कहा देखिए कि इनको मार के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, जान से जाएंगे। हाँ, एक काम करते हैं कि इनको है ना अपने पास ही रखते हैं और इनको बोलेंगे फिदिया दो, कॉम्पनसेशन दो, और इधर तुम रहो। ओके, और उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कि हो सकता है कि आगे चलकर इनके दिल में जो है वो इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा हो और वो मुसलमान हो जाए, ईमान कबूल कर ले। एक बात हो गई। फिर उमर रजी अल्लाह तआला ने से मशवरा लिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इनके दिल और दिमाग में जो है ये जो काफिर हैं, इनके दिल और दिमाग दिन रात दीन वालों को नुकसान पहुंचा रहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि इनको हम अपने साथ रखें और फिदिया देने के लिए बोले। एक काम करते हैं, उन्होंने क्या मशवरा दिया कि हम इनके रिश्तेदारों के हवाले कर देते हैं इनको, और इनके रिश्तेदारों से कहते हैं कि इनको मारो, तुम इनका कत्ल करो। इस तरीके से उनको बहुत बड़ा सबक मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मशवरे पे अमल किया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पे अमल किया कि ठीक है इनसे फिदिया ले लेते हैं और उसके बाद फिर इनको रहने देते हैं। उस पर कितनी सख्त अल्लाह ताला ने आयत उतारी, देखो कि फिदिया लेके तुम दुनिया का माल चाहते हो, दुनिया का माल चाहते हो। अब हुआ क्या, यानी कि फिर ऐसा हुआ कि जब ये अगली आयत उतरी ना 70 आयत, तो बहुत ज्यादा अबू बकर सिद्दीक ऐसा रोने लगे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आके पूछे कि क्या हो गया, क्या बात है। तो बोले बदर के जो कैदी थे ना उनके बारे में जो आयत उतरी है, यानी कि अल्लाह ताला ऐसा बोल रहे फिदिया लेके दुनिया का जो तुम मतलब फायदा चाहते थे, तो अल्लाह ताला बोल रहे किसी भी नबी की ये लायक नहीं है कि मतलब उसको रखे और फिदिया ले और दुनिया का ऐसा फायदा वो जो चाहे ऐसा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे लौला, अगर के तय अल्लाह की तरफ से पहले से नहीं होता, तो जरूर पहुंचती तुम्हें उस पर जो तुमने लिया है, बड़ी सजा पहुंचती, बहुत सख्त आयते भी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम जो उनसे ले रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंच सकता था। फिर खाओ उसमें से जो माले गनीमत तुम्हें हलाल और पाक मिला है, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। ये बात अल्लाह ने कह दी कि नाउज बिल्ला, मतलब ऐसा कि अल्लाह ने फिर खुलासा कर दिया ना इस चीज का कि नहीं, तुम ये गलत कर रहे थे। फिर क्या मामला हुआ उनका देखते हैं इंशाल्लाह, आयत नंबर 70 में देखते हैं, वहां की थोड़ी बात रह गई थी। ओके, आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला क्या बताया, देखो ए नबी,
आप कहिए उन कैदियों से जो तुम्हारे हाथ कैदी हैं, क्या करना है? अगर पाए वह तुम्हारे दिलों में कोई खैर, वो देगा तुम्हें बेहतर और उससे जो लिया गया तुमसे, और मगफिरत कर देगा तुम्हारी, और अल्लाह तो बहुत ही मगफिरत करने वाला है। क्या पता चला आपको, इस आयत से कुछ समझ आ रहा है आपको? ये आयत में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जो मशवरा दिया था ना, अल्लाह ने भी उस मशवरे को यहाँ पर आगे किया। क्या है वो बात? आपको तो देखो कि अल्लाह को है ना किसी इंसान का कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मतलब इंसान से वो कुछ ले, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला मैसेज दे रहे हैं कि आप इन कैदियों को ये कहो कि अल्लाह ताला फिदिये के तौर पे तुमको जो कॉम्पनसेशन लेने को बोल रहे हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने को बोल रहे हैं ना, इस अगर अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कोई खैर देखी, कोई खैर देखी मतलब कि दीन के लिए तुम आगे कुछ अच्छा काम कर सकते हो, तो दो फिदिया इनके साथ रहो, ईमान वालों के साथ रहो और साथ में रहो, और इससे बेहतर अल्लाह ताला तुम्हें देंगे और मगफिरत भी कर देंगे। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, चूंकि ये बदर में ये भी मतलब पकड़े गए थे ना, बदर में कैदी बन के ये भी आए थे, तो ये कैदी बनकर आए थे तो इनको भी फिदिया देकर जो है वो रहना पड़ रहा था। अब तो अब्बास रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आए मतलब उनकी तबीयत में ना थोड़ी बुखिल थी, बुखिल थी मतलब थोड़ा कंजूसी करते थे, तो अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि ये आयत मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि फिदिये में देने के बाद चंद ही, यानी फिर उसके बाद ईमान ले आए वो, और बाद में जो जंगे हुई ना, तो कहते हैं कि मैंने जो अपने आप को कॉम्पनसेशन में दिया था ना, जो कुछ भी, उससे बेहतर अल्लाह ताला ने अगली कुछ जंग में मुझे उससे ज्यादा रिटर्न कर दिया था। लेकिन ईमान और यकीन पुख्ता होना चाहिए बंदे का कि आज मैं अगर अल्लाह के रास्ते में अपनी सेहत दे रही हूँ, अपना टैलेंट दे रही हूँ, अपना माल दे रही हूँ, अपना वक्त दे रही हूँ ना, अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं, अरे सब तुम्हें लौटा दूंगा, मैं सब लौटा दूंगा, तुम देख के तो देखो मेरे रास्ते में तुम, ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। और अगर वो सब चाहते हैं आपके साथ खयानत करना, फिर दर हकीकत वो तो पहले से ही खयानत कर चुके हैं, ये बताया जा रहा है। ओके, के अब बताया जा रहा है फअमसकन, फिर क्या करो, उनको उनको काबू में रखो। हाँ, अल्लाह ने काबू में दे दिया उन्हें, किसके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खयानत किस तरफ से कर रहे थे कि इनको जो है बहुत मौके मिले कि अल्लाह के रास्ते में कुछ करे करे करे। या भी अब्बास रजी अल्लाह ताला अपने ऊपर ही लेते थे कि ये अल्लाह ताला मतलब मुझे बोल रहे, ऐसा नहीं मतलब ये आयत मेरे ऊपर फिट बैठती है, तो मैं और आप भी तो कभी टटोले आयतों में कि अल्लाह ताला मैं कहाँ हूँ, तेरी किताब में मैं कहाँ हूँ, मेरा जिक्र कहाँ पर है, ढूंढा करो इसको, जब पढ़ते हो तो आयतों पे गौर किया करो। उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला खूब सुनता है और खूब जानता है। ओके, फिर उसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है, 22, देखिए आयत नंबर 72 में अब अल्लाह ताला उन मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं जो जिन्होंने मतलब कुर्बानी दी थी दीन के लिए। चार ग्रोह हैं वो, कौन कौन से इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, इन्नल लजीना आमनू व हाजरू व जाहदू बि अमवालिहिम व अंफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल लजीना आवौ व नसारू उलाइका बअदुहुम औलिया उबाद, बेशक वो लोग, नंबर वन जो ईमान लाए, नंबर टू जिन्होंने हिजरत की, नंबर थ्री जिन्होंने जिहाद किया अपने जान और अपने माल से अल्लाह के रास्ते में, और वो लोग जिन्होंने क्या किया, ठिकाना दिया और जिन्होंने मदद की, यही लोग वो कैसे हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। अब जिन्होंने ठिकाना दिया ये लोग कौन थे, ये मदीना के लोग थे, और जिन्होंने जो है वो क्या किया, एक दूसरे की मदद की, ये अंसार लोग थे। मुहाजिर और अंसार की बातें करी जा रही है, आप ये देखिए। और वो लोग जिन्होंने नहीं हिजरत की, मालकुम नहीं है उनके लिए, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो पहले एक कैटेगरी देखते हैं, ये लोग कौन थे, जिन ये चार कैटेगरी बताने के बाद अल्लाह ताला बोल रहे, देखिए सच्चे आगे जाके ऐसा लगेगा कि सच्चे मोमिन तो सिर्फ मुहाजिर और अंसार ही थे, सच में इतनी तारीफ अल्लाह ताला उनकी कर रहे हैं अगली आयतों में कि अल्लाह ताला बोल ये सब एक दूसरे के जो है वो दोस्त थे। हाँ, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए लेकिन अभी हिजरत नहीं किए, क्यों? देखिए ईमान लाने के बाद ना दारुसलाम में ये लोग है ना जो दाखिल नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे, हिजरत नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे, मक्का में ही रह गए थे, क्योंकि इनके घर, माल, माल की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, और उसी में जो है ये मक्का में ही रह गए थे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं,
हाँ लेकिन ऐसे लोग जो ठीक है वहां पर मक्का में है, उन्होंने हिजरत नहीं की है, नहीं है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ताला बोल रहे हैं नहीं है तुम्हारे ऊपर कि उनकी मदद की कोई जिम्मेदारी। देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि अब वहां पे जो मुसलमान है, यानी आज के मुसलमानों को बहुत बड़ा लेसन लेना चाहिए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारा मुसलमान भाई कहीं पर भी है तो अभी फिलहाल उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया जा रहा है कि अगर वहां पे कोई मामला पेश आ जाए तो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम उनकी मदद करो। हाँ लेकिन कब तक? यहाँ तक कि वो सब हिजरत कर लें। लेकिन अगर वो हिजरत करके आए तुम्हारे पास तो तुम्हारे भाई, तुम रख लो उनको। हाँ लेकिन कभी इन फ्यूचर वो तुमसे अगर मदद मांगे दीन के मामले में तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम मदद करो उनकी। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, मगर उस कौम के खिलाफ नहीं। ये भी समझने की बात है कि अगर मक्का में है कुछ मुसलमान, वो तुमसे हेल्प मांग रहे थे, मदीने में रहकर तुम उनकी हेल्प कर दो, लेकिन किसकी हेल्प नहीं कर सकते हो? उन लोगों की कि जिनके कौम के दरमियान और तुम्हारे दरमियान कुछ वादा है। कुछ देखो, वादे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, मुहैदे को, कोई अहद व पैमा हुआ है तुम्हारे दरमियान, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह वो जो तुम अमल करते हो ना सब देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुलह हुदैबिया के टाइम पे, सुलह हुदैबिया जब हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के और इन लोगों के दरमियान, तो क्या हुआ था कि कुरैश का जो मुहैदा था ना मुसलमानों के साथ जो था कि लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। अब इस हालत में एक एक उसमें उसमें पॉइंट एक ये था कि हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। तो आप सोचिए जरा कि उस वक्त अगर, अब समझो कि कोई मुसलमान कुरैश के मुकाबले उसमें है, अगर क्या बोलते अंडर में है अगर, तो फिर यहाँ मदीना के मुसलमान उनकी हेल्प नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनका आपस में जो है मुहैदा हुआ हुआ है, तो फिर तुम जो है, क्योंकि तुम्हारा हुदैबिया में मुहैदा हुआ हुआ है तो तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकते हो। हाँ लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये एक दूसरे के दुश्मन है, सॉरी दोस्त है, विवादुम औलिया उबाद, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है वो एक दूसरे के साथी है, एक दूसरे के दोस्त है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा? फितना हो जाएगा जमीन में और फसाद बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुहायदा हुआ हुआ है ना। फिर अगर देखो कि अगर कुरैश मुसलमान को मक्के में कोई भी अगर तकलीफ दे तो मदीने वाले हेल्प नहीं कर सकते थे? अल्लाह ताला बोल रहे अगर तुम करोगे ना तो जमीन में फसाद मच जाएगा। कितनी अहमियत दी जा रही है इस चीज को, देखो जरा। अल्लाहू अकबर। अब देखिए कुछ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने मक्का को फतेह करवा दिया, पूरी पूरी दुनिया पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझो कि आज उनकी सुन्नत पे अमल किया जा रहा है। तो इंसान जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा ना तो उसका फॉलो करना कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा, अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं आगे, अब क्या हुआ? अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं बिल्कुल आखिरी आयत जो है सूरह अनफाल की, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहिदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। देखो अल्लाह ताला बता रहे हैं बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाए, हिजरत किए, जिहाद किए अल्लाह के रास्ते में, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, मदद की, यही लोग हैं सच्चे मोमिन, पक्के मोमिन। इसी आयत में मैं आपको बोल रही थी कि सच्चे ईमान वाले तो मुहाजिर और ये अंसारी थे, सच्चे मोमिन का टाइटल अल्लाह ने दिया। देखो उनको सच्चे मोमिन थे, अल्लाह ताला बोल रहे उनके लिए अल्लाह के पास क्या है? मगफिरत है और रिज़्क़ करीम है। अब हुआ क्या? हाँ लेकिन वो लोग जो ईमान लाए हैं उनके बाद, अब उनके बाद के लोगों का क्या मामला है? वो सब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की बात थी ना। उनके बाद जो मुसलमान थे और हिजरत किए उन्होंने और जिहाद भी किए हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ मिलकर उन्होंने जिहाद भी किए हैं, तो ये लोग तुम में से हैं। तरह बोले ठीक है, तुम में से हिजरत करके आ गए, मक्का से मदीने में आ गए और अब वो तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हैं, तो ये तुम्हारे जैसे ही हैं। हाँ लेकिन अल्लाह ताला बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, वह उलुल अरहाम बअदहुम उलाई बिबाद, अतः बोल रहे हैं, और लेकिन खून के जो रिश्ते होते हैं ना वो ज्यादा जो है अहमियत रखते हैं एक दूसरे पर, अल्लाह के किताब के मुताबिक ये अल्लाह ने लिख दिया है। ओके, क्या होता था पता है कि देखो खून का रिश्ता होगा ना, जब दीन का रिश्ता, तो बहुत मतलब खून के रिश्ते में दीन के
दीन में जो है वो खून के रिश्ते को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। शुरू में क्या होता था कि देखो, यानी कि कुछ लोग जो है ईमान पर, कुछ लोग कुफ्र पर, यानी कुछ रिश्तेदार जो है वो दीन पर रहते थे, कुछ नहीं रहते थे। तो क्या होता था कि कुछ लोग जो दीन पर आ जाते थे, उस वक्त ऐसा होता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिजरत करके आ गए, और बिल्कुल भी यानी कि इस तरीके का होता था। लेकिन अब क्या मामला है, आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे दीन बढ़ता गया तो पूरा पूरा घराना जो है वो दीनदार हो गया ना। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि पहले ये मामला था कि मतलब हिजरत करके आ रहे हैं, मक्का से मदीना आ रहे हैं, फिर ये आपस में भाई भाई हो गए। अब जो लोग बेदीन है मक्का में, काफिर है, अभी तक मुशरिक है, उनसे कोई रिश्ता नहीं रहता था ईमान वालों का। बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन जैसे जैसे दीन बढ़ता गया तो सारा घराना मुसलमान होता गया। तो अल्लाह ताला ने फिर खून के रिश्ते को अहमियत दी कि ठीक है, हिजरत करके आते थे, एक दूसरे को तुम बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अल्लाह की किताब के, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अब जो है वो खून का रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता है। और क्यों? इन अल्लाह बिकुल शईन अलीम, अल्लाह ताला बेशक हर चीज का इल्म रखते हैं, अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं। उस बेस पे अल्लाह ताला ने ये बात की, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अनफाल अल्लाह के हुक्म से हमने पूरा किया। और थोड़ी सी बात अगर मैं इसके बारे में करूँ आपसे, नेक्स्ट सूरत जो है सूरह तौबा। नेक्स्ट सूरत क्या है हमारी? सूरह तौबा। सूरह तौबा के बारे में जो देखें, पहली बात यहाँ पर कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो सवाल उठता है क्यों नहीं है? सीधा से जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाए नहीं, ख़त्म बात। जब लिखवाए नहीं तो उसमें हम पढ़ते नहीं हैं। और ये कुरान में वाहिद ये सूरत है जिसमें जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई है, तो हमें भी नहीं पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद देखिए सूरत जो तौबा है। ये ना, ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल यानी हिजरत से पहले 13 साल वो जो थे, कितने दबकर रहते थे मक्का में। कोई उनको जंग की जो है परमिशन नहीं थी, कितना भी जुल्म आप होने दो ईमान वालों मैडम, पर। आ रही आवाज? हाँ भी आई। ओके, तो 13 साल मक्का में रहने पर भी बहुत ज्यादा जो है वो दबकर रहते थे। और फिर क्या हुआ, मदीना आ गए। मदीना आने के बाद ये देखो कि 8 साल के बाद, यानी आठ, ये जो है ये जो आयतें उतर रही है या फिर जो भी मामला हुआ था फतेह मक्का 8 हिजरी में हुआ था। आप सोचो मदीने में थे, 8 साल के बाद जो है ये आयतें उतर रही हैं, तो मक्का में यानी मक्का आते जाते रहते थे। उस वक्त तक भी रिसालत के बाद मक्के में जो है वो जो भी मक्के में तौर तरीके पर जो लोग भी अमल करते थे, जो भी उनका तौर तरीके था कि तवाफ को एकदम बरहना होकर जो है तवाफ करते थे बैतुल्ला का, बिल्कुल नंगे होकर, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, ये सब उनकी इबादत थी। मगर देखिए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं छेड़ा, छेड़ा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसा। ओके, हाँ, लेकिन जब फतेह मक्का हुआ ना 8 हिजरी में, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर पूरी 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 अथॉरिटी, पूरी परमिशन मिली। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हरम में जो बुत रखे हुए थे उन बुतों को तोड़ा, एक कबूतरी का बुत रखा हुआ था उसको तोड़ा, अपने हाथों से तोड़ा। 360 समथिंग कुछ बुत रखे हुए थे बैतुल्लाह के अंदर एकदम, तो अल्लाह ताला ने फतेह मक्के के बाद तोड़ा। यानी सोचिए, बहुत बड़ा लेसन हमें मिल रहा है इससे कि इंसान को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है दीन में। फिर उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मक्के में ही जगह जगह पर भेजा, और उनको हुक्म देकर भेजा कि जाकर वो जितने भी ऊंची आप आवाज कब्रें कर हैं, रही हो? जितनी भी ऊंची कब्रें हैं। और अभी आ रही आवाज? हाँ अभी आई। जितनी भी ऊंची हेलो कब्रें हैं या फिर जो मंदिर वगैरह हैं, जो बुत है या मजार वगैरह है ना, सब हेलो, सबको जाकर गिरा दो। फिर जब फतेह मक्का हुआ तो अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, जाकर जो है मक्का में जितने भी ऊंचे कब्रें थी, मंदिर थे, बुत थे, मजारे वगैरह जो भी थी ना, सबको गिरा दो, ऐसा हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर भेजे थे। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए। जब मक्का से मदीना आए ना, तो उसके बाद 9 हिजरी में, 9 हिजरी में जब हज का मौका आया, तो पहले के जो मुसलमान थे जिनका कब्जा था बैतुल्लाह पर, अब उन मुसलमान, अब चूंकि वो अब जो पहले थे वहां पर, अब उनका कब्जा नहीं था क्योंकि फतेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्जा हो गया। तो अब क्या हुआ कि
कि अब ये बात निकली कि क्या काफिर उसी तरीके से जो आकर इबादत करेंगे अब यहाँ पर बैतुल्लाह का, जो भी जो तवाफ करते थे बरहना होकर सीटियां बजाते थे इस तरीके से, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया पता है? हज का जब महीना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना हज का अमीर बनाकर भेजा वहां पर, कहां पर? मदीना से मक्का भेजे। अच्छा पीछे पीछे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी भेज दिया। क्यों? क्योंकि देखिए मक्का वाले जो थे ना बड़े अड़ियल दिमाग के थे बहुत ही ज्यादा। जो अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अकेले जाते तो ये क्या बोल सकते थे ना वो कि ये हमारे खानदान के नहीं है, हम इनकी बात क्यों माने, हमारे कुंबे के नहीं है, और ये इस तरीके की बातें करते और फिर उसके बाद हम क्यों इनका इनकी बात माने। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने चूंकि जो वहीं के थे और उनके खानदान के थे कुरैश के थे, तो इस तरीके से जो है अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला को उनके साथ भेजा। फिर उस साल जो है वो सहाबा ने घूम घूम कर फिर हज में ये ऐलान कर दिया, जो कि इंशाल्लाह सूरह तौबा के हम शुरू में देखेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे शुरू में ही ये ऐलान कर दिया कि अब जो है ना काफिर जितने भी यहाँ पर बचे ना उनको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि 4 महीने के बाद अब कोई भी काफिर पहले के तौर तरीके पर अमल नहीं करेगा। ठीक है 4 महीने में अपना करेक्शन कर लो, क्लियर कट आए थे, क्लियर कट, या तो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ या तो जाओ मक्का छोड़ के जाओ, दूसरा चॉइस। तीसरा चॉइस के अच्छा ठीक है रहने का है ना तो कुछ ना कुछ टैक्स पे करके रहो इधर ऐसा। ओके तो इस तरीके से जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है आयतें बताई हैं, और इंशाल्लाह फिर आयतों के साथ साथ देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिहि इलल्लज़ीना अहदतुमुन मिनल मुशरिकीन कि हाँ ऐलान-ए-बरात है, ऐलान-ए-बरात यानी कि अल्लाह ताल्लुक है, यानी अल्लाह और उसके रसूल का किसकी तरफ ऐलान-ए-बरात है? अल्लाह और उसके रसूल का उन लोगों की तरफ जिससे कि तुमने क्या लिया है, अहद लिया है, जिससे तुमने अहद लिया। देखो बरात का मतलब क्या होता है कि ला ताल्लुक होना, कोई अब तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, किससे नहीं है, मुशरिकों से। क्लियर कट अल्लाह ताला जो बता रहे हैं कि अब यानी कि अल्लाह और उसके रसूल पर मुशरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर क्या करें? तो घूम फिर लो जमीन में यानी मक्का की जमीन में 4 महीने और जान लो कि तुम आजिज नहीं कर सकते हो अल्लाह को, और के अल्लाह क्या करने वाला है, रुस्वा करने वाला है नाफरमान लोगों को, काफिर लोगों को। अल्लाह ताला ने जो अभी मैंने बात बताई आपको, इन लोगों को 4 महीने का टाइम पीरियड दिया गया कि जितना तुम्हें घूम फिरना है खूब घूम फिर लो, 4 महीने के बाद भी देखो इनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करते हैं। उसके बाद वह आज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही और ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इंसानों की तरफ, तमाम इंसानों की तरफ, हज के बड़े दिन। ये हज के बड़े दिन यानी ये वो नहीं है हज जो लोग बोलते हैं कि जुम्मा के दिन हज आएगा तो हज अकबर होता है, नहीं, ये कौन सा हज है? ये हज है जो मेन जो हज का दिन होता है, 10वां दिन जो होता है जिलहज्जा का, 10वां दिन जो होता है उसकी तरफ इशारा किया गया है कि अब जो है तमाम इंसानों के लिए ये ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज वाले दिन कि अल्लाह वो बिल्कुल बेजार है, कोई ताल्लुक नहीं है मुशरिकों से, और उसका रसूल भी यही ऐलान करता है कि मुशरिकों से अल्लाह और उसके रसूल का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अगर तुम बाज आ जाओ तो ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए, और अगर तुम फिर जाते हो यानी इस ऐलान से फिर जाते हो, तुम नहीं मानते हो, तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते हो, और खुशखबरी दे दो काफिरों के कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा अगर नहीं मान रहे हो तो ऐसे काफिर जो बात नहीं मान रहे उनके लिए दर्दनाक अजाब है, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया। हाँ लेकिन इस अजाब से कौन लोग बच जाएंगे? इल्लल्लज़ीना आहदतु मिनल मुशरिकीन थुम्म लम यंकुसूकुम शैय्यन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, सिवाय उन लोगों के कि अहद किया है तुमने जिन मुशरिकों से, मतलब कि अब कुछ ना कुछ मतलब कमिटमेंट होते रहते थे ना। अब मक्का वालों से अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसे मुशरिक जिनसे तुम्हारा कुछ कमिटमेंट हुआ है, कुछ तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है, और उनके एग्रीमेंट में किसी के एग्रीमेंट में 4 महीना बाकी है, किसी के एग्रीमेंट में 10 महीना बाकी है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं इन मुशरिकों को फिलहाल छोड़ दो,
फिर नहीं वो कमी करते थे तुम्हारे साथ अहद में कुछ भी, यानी इनको फिलहाल इनके एग्रीमेंट को पूरा करो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। हाँ लेकिन फिर अगर वो कमी करते तुम्हारे साथ अहद में कुछ भी, और नहीं अगर मददगार बनते हैं तुम्हारे खिलाफ किसी के, तो फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं तो फिर तुम पूरे करो उनके साथ उनके अहद को उनकी मुद्दत तक। ओके, जो मैं बात बता रही, वो रह रहे हैं आपके साथ मुशरिक, आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर रहे हैं, दूसरे दुश्मनों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है उनको रखो उधर 4 महीने के अंदर अंदर, और अगर 4 महीने से ज्यादा तुम्हारा एग्रीमेंट कुछ टाइम बाकी है तो उसको भी पूरा करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ऐसे जो है वो मुत्तकियों को जो है अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि पसंद करते हैं। ओके, तो क्या हुआ कि इनको वहां रखने की इजाजत मिल गई, इनके साथ कोई मामला नहीं किया जाएगा। हाँ लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं फइजन सलाखा, फिर जब गुजर जाए हुरमत वाले महीने, ये कौन से हुरमत वाले महीने, ये जो ऊपर 4 महीने का उनको एक टाइम पीरियड दिया गया, अगर ये 4 महीने, ये वो वाले नहीं है जो पहले आपको बताए थे मैंने, ज़िलक़ादा ज़िलहज्जा ये सब नहीं है, ये कौन से हुरमत वाले महीने जो ऊपर उनको जो एक टाइम पीरियड उनको वार्निंग दी गई कि 4 महीने रहो, अरे बोल रहे 4 महीने अगर गुजर जाए ना तो जंग करो मुशरिकों से, जहां तुम पाओ उन्हें और गिरफ्त में ले लो उन्हें और घेर लो उन्हें और बैठो उनके लिए हर घात की जगह पर, फिर अगर वो तौबा कर लें। देखो 4 महीना हो गया फिर भी मुशरिक अपने ही तरीके पर चल रहे हैं, अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे किधर भी मिले ना पकड़ो इनको और इनके घात में बैठो, यानी ये सोचो बहुत सख्त माहौल हो गया था बहुत ही ज्यादा। हाँ लेकिन अगर समझो कि तुमने उनको गिरफ्त कर लिए, पकड़ लिए तुमने, अगर वो तौबा कर लेंगे, ठीक है हम दीन इस्लाम में आ जाते हैं और वो नमाज कायम करते रहे, देखिए बोल बच्चा नहीं चाहिए मुंह से कि हम तौबा कर लेते हैं, जाहिरी भी तुमको सबूत देना पड़ेगा कि वाकई तुम ईमान वाले हो, और फिर अगर वो नमाज कायम करते रहे जकात देते रहे, ये है दीन का तकाजा, तौबा करके तौहीद पर आने के बाद बंदा नमाज भी कायम करे और जकात भी अदा करे, तो अल्लाह ताला बोल रहे तो छोड़ दो उनका रास्ता, इन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला मगफिरत करता है रहम करता है, फिर छोड़ दो उनको, यानी वो जो है यानी अब आ गए वो दीन इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने तो छोड़ दो उनको। हाँ लेकिन ये चीज उनके अंदर टटोलते रहो कि नमाज कायम कर रहे हैं कि नहीं, जकात अदा कर रहे हैं कि नहीं, ये बताया जा रहा है। और अगर कोई और अगर मुशरिकों में से कोई भी पनाह मांगे आपसे, फिर अल्लाह ताला बोले दे दो पनाह उनको, कब तक, यहाँ तक के वो सुन ले अल्लाह का कलाम, फिर पहुंचा दो उसे उसके अमन के मकाम पर, यानी एक टाइम पीरियड। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं दाखिल होना चाहते लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप हमें यहाँ रहने दीजिए, हम अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर हमारा दिल अगर ठुक गया तो हम ईमान ले आएंगे, अदरवाइज हमको जाने देना। तो अल्लाह ताला बोले ठीक है, ऐसा कोई आपसे अगर टाइम पीरियड मांगता है तो आप भी उसको दे दो टाइम, और अगर वो नहीं ठुक रहा है उसका दीन इस्लाम पर नहीं आ रहा है तो फिर उधर जिधर जाना चाहता है उसको पहुंचा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून, ये लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हैं। देखो कुछ पता नहीं है कि अगर वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए तो उनका बहुत फायदा होगा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होता अगर वो जान जाते। फिर आगे अल्लाह ताला बोल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि देखो कैफा यकून लिल मुशरिकीन अहदुन, कैसे हो सकता है मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह के नजदीक, यानी अल्लाह ताला कैसे इनकी बात मान ले और उसके रसूल के नजदीक, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अहद किया तुमसे मस्जिद हराम के पास, फिर जब तक वो कायम रहे तुम्हारे लिए अहद पर तुम भी कायम रहो उनके लिए, बेशक अल्लाह वो तो पसंद करता है बचने वालों को और मुस्तकियों को। टिट फॉर टैट का मामला, जिन लोगों से अहद हुआ है अगर वो तुम्हारे साथ सही से रहते हैं अपने अहद पर कायम रहते हैं तो तुम भी कायम रहो, अल्लाह ताला ये बोल रहे, और मस्जिद हराम। आयत नंबर 8 सूरह तौबा, इंशाल्लाह यहाँ से देखते हैं। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कई फवा इन यज़हरु अलैकुम ला यरक़बु फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा युर्जूनकुम बिअफवाहिहिम वत्तअबा क़ुलूबुहुम वअक्सरुहुम फासिकून, के ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होगा जब भी वो लोग गलबा पा जाए, कौन, ये मुशरिकान मक्का,
ठीक है, मुशरिकाने मक्का की जो ये जमात है, ये अगर आप पर गलबा पा जाए, तुम पर यानी ईमान वालों पर, तो नहीं वो लिहाज करेंगे तुम्हारे बारे में किसी भी रिश्तेदारी का और ना ही जिम्मेदारी का। यानी मुहायदे की बात चल रही है कि ये जो मुहायदा वगैरह लिया जाता है, तो मुहायदे की जो बात चल रही है, तो ये बताया जा रहा है कि आप लोग तो बहुत लिहाज करते हो इनसे जो भी आपके वादे हुए मुहायदे हुए, लेकिन ये लोग आपके बारे में जरा भी जो है लिहाज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये नहीं, देखो ये भी लिहाज नहीं करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो देखो कि इन्हीं के खानदान के हैं, इन्हीं के जो है मजहब के हैं, फिर उनको जो है ना क्या चीज आड़े आ जाती है। क्यों ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी या जिम्मेदारी का लिहाज नहीं करते थे? क्योंकि फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो यानी कि उनके रसूमात, बाप दादा का दीन, मजहब, मसलक, ये चीजें जो है आड़े आ जाती है। इसलिए दीनदारों के बारे में जरा भी किसी चीज का लिहाज नहीं करते, ये अल्लाह तआला बता रहे। ओके, फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना, ये मतलब आपको ना जो राजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सभी जो है राजी करना चाहते हैं तुम्हें अपने मुंह से, यानी बोल बच्चन सिर्फ मुंह की जाहिरी की मोहब्बत, लेकिन अल्लाह तआला बोल रहे इनके दिल जो है ना इनकारी हैं, इनके दिल में आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, यानी ये वो काफिरों के दिल में, मुशरिकों के दिल में, और अक्सर लोग ये जो है नाफरमान ही है। और इनकी जुर्रत इतनी क्यों बड़ी? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सौदा कर लिया अल्लाह की आयतों का थोड़ी सी कीमत में, और वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते भी थे। अल्लाह तआला बोल रहे बहुत बुरा है जो ये सब अमल कर रहे हैं, बहुत बुरा है। फिर अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि ना वो लिहाज करते हैं ईमान वालों के बारे में, ओके, नहीं वो लिहाज करते किसी भी मोमिन के रिश्तेदारी का और ना ही जिम्मेदारी का। अहद तोड़ने में बिल्कुल आगे, और ईमान वाले अगर उनके रिश्तेदार हैं तो उनके रिश्तेदारी का भी लिहाज नहीं करते। अल्लाह ताला बोले यही लोग हैं जो हद से बड़े हुए हैं। और क्या क्या बता रहे अल्लाह ताला कि ठीक है, अगर ये हद से बढ़ गए हैं और अगर भी वापस पलटना चाहते हैं, फिर अगर वो सब तौबा कर लें, नमाज कायम करें, और अगर जकात अदा करते रहें, तो दीन में तुम्हारे भाई है। क्या पता चला कि जब तक सही दीनदार सही दीन पर अमल नहीं करता है, तो फिर वो आपका दीनी भाई नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही कुराबतदार हो आपका, रिश्तेदारी कितनी ही आपकी गहरी ही क्यों ना हो, यानी दूसरी जो चीजें हैं उसको अमल करनी ही पड़ेंगी। फिर अगर यानी इस तरीके से ये अमल करे तो तुम्हारे दीनी भाई हैं, कोई बात नहीं, फिर तुम इनके ऊपर कुछ भी ऐसे जुल्म ज्यादती मत करो। अल्लाह ताला बोले और हम आयतों को फिर फेर कर बयान करते, किसके लिए? जो जानना चाहते हैं, जो इल्म रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला आयतों को फेर फेर कर बयान करते। और इनके कुछ देखो कि कुछ हरकतों की तरफ अल्लाह ताला इशारा करके बोल रहे हैं कि और अगर वो तोड़ दें उनकी कस्मों को उनके अहद लेने के बाद, और अगर वो और वो क्या करते हैं, ताना निकालते हैं तुम्हारे दीन में, यानी हमला करे अगर तुम्हारे दीन पर, तो अल्लाह ताला ने एकदम क्लियर परमिशन दिए कि लड़ो उनसे, किसे? उनके जो काफिरों के आलम बरदार हैं, काफिरों के जो बड़े बड़े सरदार हैं ना, उनसे लड़ो, बेशक वो नहीं, वो क्या करते हैं, तुम्हारी कस्मों का कोई एतबार करते हैं। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उनके लिए ऐसा करोगे तो हो सकता है कि वो सब बाज आए तुम्हें परेशान करने से। तो क्या पता चले यहाँ पर कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ना लोगों की ना सिर्फ बात, लोगों लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों के गाजी होते हैं, सिर्फ मुंह से इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, क्लियरली अल्लाह ताला ने कह दिया। ऐसे लोग जो दीन में आपके साथ नहीं आते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जो सही दीन पर अमल नहीं करते हैं या दीन के लिए कुछ कोशिश नहीं करते। बहुत सख्त सख्त आयतें आ रही है, इंशाल्लाह आप गौर से सुनिए इसको, और बहुत ज्यादा गौर करिएगा, हो सके तो इसको दोबारा सुनिए, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। उस वक्त तो चलो कि वो मुशरिक थे, काफिर थे, आज भी तो कुछ मुसलमानों का एक कोई ग्रोह या कुछ लोग हैं ऐसे जो वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही दिन पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्यों तुम नहीं जंग करोगे, क्या हो गया है तुमको, तुम क्यों नहीं लड़ोगे ऐसे लोगों से जो वो तोड़ देते हैं उसे उनकी कस्मों को, उनके कस्मों को यानी उनके अहद को तोड़ देते हैं, और उन्होंने तो इरादा कर लिया था इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का, अल्लाह अकबर। और जबकि शुरुआत जो हुई थी ना लड़ाई झगड़े की, वो उनकी तरफ से ही पहली मर्तबा हुई थी। अल्लाह बोल रहे फिर तुम उनसे क्यों डर रहे हो, फिर अल्लाह तो ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। क्या पता चला, सच्चा ईमान अल्लाह का डर देता है इंसान को।
सच्चा ईमान जो होता है वो एक बंदे मोमिन के दिल में डर पैदा करता है। तो अल्लाह तआला बोल रहे दीन पर अमल करने के लिए तुम इन मुशरिकों से काफिरों से मत डरो बल्कि अल्लाह से डरो। अब अल्लाह तआला आगे बता रहे हैं कि देखो लड़ो लड़ो उनसे और सजा देगा उनको अल्लाह तुम्हारे हाथों से। ठीक है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह तआला बोल रहे हैं हिम्मत तो करो, चलो लड़ो तो तुम। क्या देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला का मामला बंदे के साथ वही होता है जो बंदे की असल होती है। बंदे की असल होती है मतलब क्या होता है कि बंदा जिस नियत से अल्लाह के रास्ते में निकलता है अल्लाह ताला उसके साथ वही मामला करते हैं। और देखिए अल्लाह का वादा सच्चा है, जो भी दुश्मन से अल्लाह ने वादा लिया था अल्लाह ताला ने ईमान वालों को वादा सच करके दिखाया। क्या वादा था? अल्लाह ताला बोल रहे तुम निकलो तो, तुम लड़ो तो अल्लाह ताला उनको सजा देगा भी आई दिया कुम तुम्हारे हाथों से, आयत नंबर 14। ओके, और अल्लाह ताला उन्हें निकाल देगा और वो मदद करेगा तुम्हारी और वो तुम्हारे सीनों को ठंडा कर देगा। किसके? ईमान वालों के, ईमान वाले जो हैं उनके सीनों को ठंडा कर देगा अल्लाह ताला। ये मतलब बहुत वाकई अल्लाह का जो वादा है लोगों से बहुत सच्चा होता है। देखिए लोग कुछ भी समझे, लोग अल्लाह के बारे में कुछ भी समझे, अल्लाह का मामला जो है ना यकीनन हमारे साथ बिल्कुल असल मामला है। आप जो अल्लाह के बारे में गुमान करोगे, आप जितनी कोशिश करोगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला उतना ही आपको देंगे। ये डेफिनेटली हमें पता चल रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये ईमान वालों के दिलों से अल्लाह ताला जो जितनी उनके दिलों में, ईमान वालों के दिल में, सहाबा मोमिनों के दिलों में जितनी भी गैज है यानी गुस्सा है, जलन है, सबको अल्लाह ताला दूर कर देंगे। और अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है जिसकी वो चाहता है, और अल्लाह खूब जानता है और खुद ही खूब हिकमत वाला है। ये इंसान को नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारे हर हाल की खबर उसको है, और अगर तुम्हें कुछ हुक्म दे रहा है तो उसमें उसी की जो है हिकमत उसको ही पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जिन्हें दीन पर चलना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। दुनिया को तो साथ लेकर चलते हैं लेकिन उनको दीन पर चलना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या गुमान कर लिया तुमने? तुम क्या सोचते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे? जबकि अभी तक तो अल्लाह ताला ने जाना ही नहीं उन लोगों को तुम में से कि कौन वो बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है अल्लाह के रास्ते में, और अभी तो उसने बनाया ही नहीं अल्लाह, और नहीं उन्होंने बनाया अल्लाह के सिवा से, ठीक है, और नहीं उसके रसूल को और नहीं ईमान वालों को। क्या जिगरी दोस्त! अब यहाँ पे एक टेस्ट ईमान वालों का, ईमान वाले क्या सोच रहे हैं कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें बगैर अल्लाह के रास्ते में निकले सारी चीजें मिल जाएंगी। यानी ये देखिए कि हालांकि सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं थे, लेकिन बजाहिर कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को मुसलमान ईमान वाला कहते थे, तो ये आयतें जरा उनकी तरफ ढकेली जा रही है, उनकी तरफ अल्लाह ताला इशारा करके बोल रहे हैं क्या सोच लिया तुमने सारी तुम्हें नियामतें अल्लाह की यूं ही मिल जाएंगी? हाँ, यूं ही बगैर कुर्बानी दिए हुए? अभी तो तुम पर तो वो हालात पड़े ही नहीं है जो अल्लाह ताला ने मक्का वालों पे हालात पड़ाए थे। सहाबा मक्का में कितनी मुश्किलें सहकर मदीना में आए थे, मदीने में आके उनको बहारें मिली ना, इतनी यानी कि फरावानी हर चीज की, इतनी सहूलतें, ये सारी चीजें तो मदीने में आके मिली। मक्का में तो सहाबा ने बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई, और उसके बाद मदीने में जो लोग ईमान लाया नया लेकर आए थे तो वो क्या चाह रहे थे कि ये जो मक्का से सहाबा आए हैं ना, इनको जो चीजें अल्लाह ताला अता कर रहे हैं ना हमें भी अता कर दे। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, अभी तो अल्लाह ताला, तुम क्या सोचे हो कि तुम जो है वो यूं छोड़ दिए जाओगे? जबकि मतलब कि अभी तो अल्लाह ने जाना भी नहीं तुम में से कि कौन कौन जो है वो जिहाद करेगा। देखिए घर बार छूटते हैं, अल्लाह के रास्ते में इंसान निकलता है ना सच्चे दीन पर अमल करने के लिए, तो उसको कभी कभी अपना घर बार भी छोड़ना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि सहाबा के जैसे हमें अपना जैसे मक्का छोड़ के मदीना नहीं जाना है। आज फिर क्या छोड़ना है हमें? आज फिर हमें जो है अपनी पसंद को छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में काम करने के लिए कुछ अपनी पसंद को छोड़ना पड़ेगा, टेम्परेरी बेस पे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए। अल्लाह ताला आपको बोल ये नहीं बोल रहे हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के चले जाओ, ये अल्लाह अल्लाह ताला बोल रहे हैं। और अल्लाह ने तो अभी ये भी नहीं जाना कि तुम में से किसने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर ईमान यानी ईमान वालों को किसने जिगरी दोस्त बनाया। ईमान वाले तो अल्लाह रसूल को अपना जिगरी दोस्त बनाते हैं,
बस अल्लाह तआला बता रहे, वल्लाहु खबीरुन बिमा तअमलून, अल्लाह बहुत बाखबर है तुम्हारे अमल से। बता रहे अल्लाह तआला कि अल्लाह तआला जो है वो बिल्कुल बाखबर है। अब देखिए, अब आगे मुशरिकों के कुछ खुश फहमी का जिक्र किया जा रहा है 17-18 और आगे आयतों में हम देखेंगे इंशाल्लाह। क्या खुश फहमी थी मुशरिकों की? खुश फहमी ये थी कि चूंकि हम जो है ना हरम की साफ सफाई करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं अल्लाह की नज़र में, अल्लाह हमसे बहुत खुश है। और जो चाहे वो शिर्क कर लो, बिदअत कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा उनका इनका इनका तसव्वुर था, इनका ख्याल था। यानी कुछ करते नहीं थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि देखें बता रहे, आगे 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 हम देखेंगे, अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे लोगों के सारे अमाल वेस्ट। किस तरीके से देखते हैं आयत नंबर 17 में अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि और नहीं है मुशरिकों के लिए, मुशरिकों के ये लायक ही नहीं है, उनको हक नहीं है कि वो तामीर करें अल्लाह की मस्जिद को। देखिए जरा, बहुत सख्त बात है ये, अल्लाह तआला बोल रहे हैं, जबकि वो अपने आप पर जो है वो शिर्क की गवाही दे चुके हैं। फिर यही लोग हैं, अल्लाह ने इनके अमाल को जाय कर दिया और वो हमेशा जो है आग में रहने वाले हैं। अपने शिर्क की गवाही खुद देते थे, बिदती काम करके, शिर्क का काम कर करके मुशिकाने मक्का, और बोलते ही थे नहीं नहीं हम तो अल्लाह के बहुत चाहते। क्यों चाहते भाई? क्योंकि हरम की साफ सफाई करते हैं और हाजियों को पानी पिलाते हैं। इन्होंने नेक अपने नजदीक सिर्फ और सिर्फ हाजियों को पानी पिलाना और हरम की साफ सफाई, दैट्स इट, इतना ही समझते थे। अल्लाह तआला बोल रहे नहीं, इनको अथॉरिटी ही नहीं है इस चीज की कि वो अल्लाह की मस्जिद को तामीर करें। देखिए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं इस बात की अगर ऐसे बिदती लोग अपने मस्जिदों में बिदत का काम करें, शिर्क का काम करें, किसी भी ऐसी चीज को रिवाज दें। अल्लाह तआला बोल रहे करो तुम जितने अपनी मस्जिदों में तुम्हें जो करना है सब मैं वेस्ट कर दूंगा तुम्हारा। वेरी क्लियर आए थे, वेरी क्लियर। फिर क्या करें? फिर अब देखिए, ऐसी है, बहुत सीधी सी बात है कि कुफ्र की हालत में किए जाने वाला कोई भी अमल जो है वो कबूल नहीं होता है। अल्लाह ताला ने इस बात को क्लियरली कह दिया कि कुफ्र की हालत में तुम कोई भी अमल करोगे, कोई भी नेकी का काम करोगे ना, सब मैं वेस्ट कर दूंगा। शिर्क की हालत में करोगे, नमाजें पढ़ रहे हो, माता की किसी और के दर पे जाके टेक रहे हो, शुक्र किसी और का कर रहे हो, अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा और दाता और किसी को, अल्लाह को छोड़कर किसी और कोई तुम समझ रहे हो, अल्लाह हू अकबर या अल्लाह। फिर चलिए देखते हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कौन है जो वो हकदार है अल्लाह की मस्जिद को आबाद करने का, कौन है वो लोग। दर हकीकत अल्लाह की मस्जिद की तामीर तो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नंबर वन क्वालिटी, और वो आखरत पर ईमान रखते हैं, नंबर टू क्वालिटी, और वो कायम करते हैं नमाज और वो अदा करते हैं जकात। ये चार क्वालिटी के साथ साथ वलम यख्शा इल्लल्लाह, ये है असल बात कि अल्लाह के सिवा वो किसी से नहीं डरते, किसी का खौफ उनके दिल में नहीं होता अल्लाह के सिवा, वो सिर्फ अल्लाह की खशियत अपने दिल में रहते हैं। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फिर मुमकिन है, उम्मीद है कि यही लोग हैं हिदायत पर। देखिए जरा, चेक करें आज इंसान, मैं अपने आप को चेक करूं, आप अपने आप को चेक करिए, क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, अल्लाह का डर है मेरे अंदर? असल चीज है ना, आप हाईलाइट करिए अल्लाह का डर। जिस बंदे के अंदर अल्लाह का डर आ गया ना, तो दैट मीन्स वो हिदायत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, बता दिया अल्लाह तआला ने आयत नंबर 19 में, क्या बना लिया तुमने हाजियों को पानी पिलाना और जो है मस्जिद का तामीर करना, जैसे जो अब कंपेयर किया जा रहा है कि एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हाजियों को पानी पिलाता है और मस्जिद की देखरेख करता है, साफ सफाई करता है, तो क्या वो शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है जो अल्लाह पे ईमान रखता है, आखरत पे ईमान रखता है और वो अल्लाह के रास्ते में कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है? आपसे मुझसे सवाल हो रहा है लेकिन अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं, ला यस्तवून इंद अल्लाह, कि अल्लाह की नजर में तो ये लोग बराबर नहीं है। कहने का मतलब, दिखावे का दीन अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के रास्ते में कुछ करके दिखाओ तो अल्लाह ताला मानेंगे कि तुम सही दीन पर हो, और अल्लाह नहीं जो है वो रास्ता सुझाते हैं, हिदायत देते हैं ऐसे जालिम लोगों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करें, फौरन दुआ करिए अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना। अल्लज़ीन आमनू व हाजरू, अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है,
असल में देखो ना, यानी कि इंसान ये देखो ये नहीं सोचता है। अगली आयतों में मैं आपको बताती हूँ अभी कि देखिए 4 दिन की जिंदगी है इंसान की, और इंसान इसी में खोकर हमेशा की नाकाम जिंदगी चाहता है। जबकि अल्लाह ताला बोल रहे कामयाब जिंदगी चाहते हो ना, तो आओ तुम्हें बताता हूँ मैं कामयाबी का राज, कामयाब जिंदगी कैसे तुम्हें मिलेगी। वो ये है कि अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह अमवालहुम व अनफुसहुम अअज़मु दरजातिन इंदल्लाह व उलैका हुमुल फायज़ून। कि वो लोग जो ईमान लाए, यानी सही किताब और सुन्नत पर जो चलते हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, नंबर वन क्वालिटी। नंबर टू क्वालिटी इज वो हिजरत करते हैं। आज आपको कोई मक्का से मदीना हिजरत करके नहीं जाना है। आज का हिजरत बहुत आसान है, बहुत ही आसान, आपके लिए सवारी तैयार है। आज जो है, आज आपको हिजरत सिर्फ क्या करना है कि सबसे बेहतरीन हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुराई से नेकी की तरफ। देखिए हम में से आज कोई भी कितना भी दीन के रास्ते में सफर कर ले, कितना भी कर ले, उसको वो अजर नहीं मिल सकता जिन लोगों ने मक्का से मदीना हिजरत किए थे। उनकी तो बात ही कुछ अलग थी। उस वक्त वाकई दीन को जो है वो इंसानों की जरूरत थी। अगर आज भी अगर आप चाहते हो वैसा अजर तो नहीं मिलेगा, उससे मिलता जुलता थोड़ी कमी बेशी के साथ डेफिनेटली अल्लाह ताला अजर देंगे अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। देखिए जरा सर बोल रहे हैं कि और वो सब जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में अपनी जान से भी और अपने माल से भी। दीन में सिर्फ वो माल ही नहीं देते बल्कि अपनी जान, और जान से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि इंसान जो है वो जान से चला जाए, मर जाए, किल्ड, नो। जान से मुराद यहाँ पर आपका टैलेंट, आपकी सेहत, आपके एजुकेशन, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। सब चाहिए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये वो लोग हैं कि बहुत बड़ा दर्जा अल्लाह के पास है। देखिए आजम आया है, आजम अजीम नहीं आया है, बहुत ज्यादा दर्जा अल्लाह के पास है। और हाल क्या है आज के लोगों का? आज तो लोग घर घर भी छोड़ना नहीं चाहते, घर बैठे भी उनको दीन सिखाया जाए तो सीखना नहीं चाहते, और अजर अल्लाह से बहुत बड़े बड़े अजर की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला बोले नहीं मिलेगा। टाइटल क्या मिला उनको? उलाइका हुमुल फायजून, ये है असल कामयाब लोग। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ताला बोल रहे हैं देखो के और हमेशा के लिए खुशखबरी है उनके लिए उनके रब के पास की रहमत, और उनकी तरफ से अल्लाह का रिजवान और जन्नत उनके लिए उसमें, और हमेशा रहेंगे, और ये जन्नत नईम हमेशा की जन्नत इनको मिलेगी, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, और बेशक अल्लाह के पास अजरी बड़ा है। देखिए जरा इंसान जो है वह दुनिया में अजर मांगता है, और बताइए दुनिया का बदला, आप कोई काम कर रहे हैं दुनिया वाले आपको क्या बदला दे सकते हैं? जो उसके पास होगा दुनिया वाला तो दुनिया का ही बदला देगा। आप दुनिया के काम में भी आखिरत के बदले की नियत रखिए और कुछ कर जाइए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि कुछ कर जाइए, और फिर देखिए कि अल्लाह ताला से इंसान जो अजर की उम्मीद रखे तो सोचो कि फिर अल्लाह ताला कितना अजर उसको देगा। बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला देंगे उसको, बहुत बड़ा। तो हमेशा देखिए आप दुनिया का भी काम करें, उम्मीद अल्लाह से लगा के रखें। कभी भी किसी इंसान से जो है उम्मीद नहीं लगाना, कभी भी बिल्कुल भी। और ये बताया जा रहा है कि देखिए कि अल्लाह के दीन पर जो खिदमत होगी ना, तो डेफिनेटली उसका अजर तो अल्लाह ताला ही देगा। आपको दुनिया में दीन का अजर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता है, यकीन करिए। अब आगे कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि यकीन करिए इन आयतों ने, जब इसको मैंने सुना सुना और समझा कुछ साल पहले, इन आयतों ने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया था। मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना, सूरह तौबा वो सूरत है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आप भी टटोलिए इसमें ऐसी क्या बात है, मैं क्यों ऐसा कहती हूँ? अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हें तो अल्लाह के रास्ते में अजर चाहिए, रुकावटें बहुत आती हैं, और रुकावटें वो क्या क्या हो सकती हैं? अल्लाह अकबर। देखते हैं कि रुकावटें क्या है वो, और फिर उसके बाद रुकावटों को हटाने कैसे हैं, सारी बात जो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इन सब आयतों के जरिए हमें समझाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं अल्लाह ताला बोल रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
नहीं तुम बनाओ तुम्हारे बाप दादा को और तुम्हारे भाई बंधुओं को दोस्त, किस सूरत में? अगर वो बेदीनी को पसंद करते हैं, कुफ्र को पसंद करते हैं ईमान पर, यानी सच्चे दीन को पसंद ना करते हुए बिदत को, रसूमात को, शिर्क को, इस तरीके से इन चीजों को अगर वो पसंद करते हैं, तो अपने भाइयों को और बाप दादा को दोस्त मत बनाओ। और सुन रखो, जो भी तुम में से वो दोस्ती रखेगा ना उनको, फिर यही लोग अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जालिम है। असल में ये जालिम है, क्यों? क्योंकि उनके रसूमात, उनके शिर्क में इन्होंने इनका साथ दिया। देखिए जरा, मैं और आप अपने आप को चेक करें, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि कभी आपके साथ कभी मौका पड़ता है, आपने आपको अल्लाह ने चूज किया, आपको सही दीन की तालीम दी, दीन पर आप चल रही हैं, उसके बाद कहीं ऐसा मसला तो नहीं आ जाता? अरे मेरे भाई की शादी, भाई के बेटे की शादी, तो मेरे चाचा की शादी, तो अब उनकी रसूमात में जाना जरूरी है, उनकी बारात में जाना जरूरी है, उनकी हल्दियों में जाना जरूरी है। ये देख लीजिए आप, बस एक एक जरा क्राइटेरिया अपने लिए रखिए, ये कि हर वो काम आपके बाप दादा या भाई बहन या रिश्तेदार कर रहे हैं, अगर वो काम अल्लाह और उसके रसूल से हट कर हो रहा है, उस उनके हुक्म से, उनके तरीकों से हट कर हो रहा है, तो आप उन रिश्तेदारों को अहमियत मत दीजिए, मत दीजिए। ये अल्लाह ताला इस आयत में मुझे और आपको समझा रहे हैं। क्या होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा वो नाराज हो जाएंगे ना, और क्या होगा? लेकिन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब होता क्या है पता है आपको, जब आप सही दीन पर आते हैं ना, तो छोड़ने का दिल नहीं करता है। आपको लगता है हाय मैं बाप को छोड़ दूँ, हाय मैं बहन को छोड़ दूँ, भाई को छोड़ दूँ, हाय इनके बगैर तो मेरा कुछ चलता ही नहीं है। और यकीन करिए, ये तो आप अभी सोच रही है ना, लेकिन अगली आयत में फौरन इसका जिक्र अल्लाह ने कर दिया है। अरे जिस रब ने बंदों को पैदा किया, क्या उसकी फीलिंग से या उसकी सोच से अल्लाह ताला बाखबर नहीं है? अल्लाह ताला बोलते हैं कि नाउ इट्स ए चेक लिस्ट फॉर मी एंड यू, कि जो इंसान कहता है ना, अरे मेरा तो ये वीक पॉइंट है, मैं कैसे इसको छोड़ सकती हूँ, नहीं नहीं बाबा मैं तो नहीं छोड़ सकती इसको। आप जरा चेक करते हैं कि आपका और मेरा कोई ये वीक पॉइंट तो नहीं है, जिसकी वजह से मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत सही बात है अल्लाह की आयतों में कि सच्चे दीन पर आने के बाद आपको बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने भी बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया सही दीन पर अमल करने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला बोलते हैं कि ये अल्लाह की सुन्नत है, तुम रूठे हम छूटे जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। और जिस दिन आपके अंदर यह एहसास हो गया ना, मेरा रब मेरे लिए काफी है, रिश्ते नाते आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखेंगे, जाओ छोड़ो, बलट छुट्टी जाओ, हमको चाहिए भी नहीं, तुम आना भी नहीं हमारे पास दोबारा, रब मुझे मिल गया ना, बस हो गया। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कुल इन काना आबाउकुम, जरा चेक करो कि आप फरमा दीजिए क्या वजह है, क्या वजह है कि तुम अल्लाह रसूल की बात सुनकर भी सही दीन पर अमल नहीं कर रहे हो? क्या बात है, क्या है? अगर ये तुम्हारे बाप दादा, ये तुम्हारे जो है बाप और तुम्हारे जो है दादा और तुम्हारे भाई, और ये कौन है, इनमें से कोई तुम्हारे वीक पॉइंट है कि मैं इनको नाराज करके दीन पर अमल नहीं कर सकती? कौन है वो लोग, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, जो तुम्हारे दीन के आड़े आ रहे हैं, कौन है? आप कहिए, अगर हो तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जोड़े, यानी अगर शौहर इस आयत को पढ़ रहा है, तो क्या बीवी तो उसकी कमजोरी नहीं है? और अगर बीवी सही दीन पर है, तो क्या शौहर उसकी कमजोरी तो नहीं है? या तुम्हारे खानदान, या तुम्हारे माल, और तुम्हारे जो, और तुमने जो जोड़ जोड़ कर माल रखा है ना अपने पास, और वो तिजारत, वो बिजनेस जिसके मंदा होने का, यानी जिसके कम होने का तुम्हें डर है, और वो मकानात जिसे तुम पसंद करते हो, बताओ जरा वो ज्यादा महबूब हो रहे हैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से और जिहाद करने से उसके रास्ते में? ठीक है ना, तुम इंतजार करो यहाँ तक के आ जाए अल्लाह का हुक्म, और अल्लाह नहीं हिदायत देते हैं ऐसे नाफरमान लोगों को। या अल्लाह, बताइए जरा कितनी कितनी फैक्ट है, कितनी मतलब सच्चाई है इन बातों में।
आज इंसान जो है सही दिन पर इन तमाम वजूहात में से एक ना एक वजह है जिसकी वजह से सही दिन पर नहीं चल पाता है। कभी बाप दादा की रसूमात, उसकी वजह से दिन पर नहीं चल पाता है, उसकी मोहब्बत अपने दिल में बिठा के रखता है, फिर कभी औलाद की मोहब्बत उसके दिल में आ जाती है, फिर कभी जो है अपने भाइयों की मोहब्बत, कभी बीवी शोहर की मोहब्बत, और कभी नहीं नहीं तो खानदान की मोहब्बत। खानदान की मोहब्बत में जो है इंसान सही दिन पर नहीं चल पाता है, किताब और सुन्नत पर नहीं चल पाता है, और फिर उसके बाद कहीं फिर ऐसा होता है कि जो माल उसने अपने पास जोड़ जोड़ के रखा है कि नहीं नहीं बाबा मैं अल्लाह के रास्ते में चलूंगा, कुछ कमाऊंगा धमाऊंगा नहीं, तो ये मेरे पास से जो ये खर्च हो जाएगा, अरे बिजनेस नहीं करूंगा तो मैं, अरे कि क्या है मतलब मुझे तो इतना नुकसान हो जाएगा अगर मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा तो। उस बिजनेस की मंदी होने का यानी नुकसान के डर से, या अल्लाह कितनी सच्ची बात है, कितनी सच्ची बात है बताइए। ये सच्ची बातें आपको अल्लाह की सच्ची किताब में ही मिल सकती है और कहीं नहीं। कभी कभी तो हमारा घर जिसे हमें इतना पसंद होता है, नहीं नहीं बाबा मैं अपना घर छोड़कर एक मिनट के लिए घर के बाहर नहीं जा सकती। आप दो दो घंटा क्लास पढ़ने के लिए बोल रही, नो इट्स नॉट पॉसिबल, मैं तो जा ही नहीं सकती घर छोड़ के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मेरे शोहर, उनको तो मैं, उनको तो निवाला बिल्कुल गर्म गर्म खाना मुंह में चाहिए, मैं तो उनको छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे बाप दादा की रस्मात को छोड़कर मैं सही दिन पर अमल करूं, नहीं बाबा मैं नहीं कर सकती। तो जरा सोचिए, जरा अल्लाह तआला बोल रहे खानदान का डर, इन सब चीजों का डर, तो जाओ फिर। ऐसे नाफरमान लोगों को अल्लाह तआला हिदायत नहीं देते। आपके लिए मेरे लिए चेक लिस्ट है, जो भी इसमें से मेरा और आपका वीक पॉइंट है उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए और अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह तू बेहतर जानता है ये मेरी कमजोरी है, इस वजह से मैं तेरे रास्ते में नहीं आ पा रही, अब्बा मेरी इस कमजोरी को खत्म कर दे, मांग कर देखिए अब्बा से। या अल्लाह सच्ची, बहुत सच्ची बात है इनायतों में। कुछ लोग तो घर माल बच्चे इसी वजह से अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल पाते, क्या करें आपको नहीं पता मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, क्या पता। अच्छा उस रब के रास्ते में निकलने के लिए उस रब को एक्सक्यूज दे रहे हो क्या, उस रब को नहीं पता जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह अकबर, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। फिर देखिए कि मुझे एक बात समझ आती है, सच्ची जो बात है, देखो ठीक है ये चीजें नियामतें हैं आपके लिए, ओके ये चीजें आपके लिए नियामतें हैं, लेकिन इन नियामतों का आप सही इस्तेमाल करिए ना, सही इस्तेमाल करिए ना। क्या होता है पता है कि देखिए, और इतना अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो क्यों तुमने निकल रहे हो अल्लाह के रास्ते में, इंतजार कर रहे हो कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह का हुक्म यहाँ से मुराद क्या है पता है आपको, अल्लाह का अजाब आ जाए। ओ अल्लाह का अजाब आ जाए, फिर आप ये देखिए कि एक चेक लिस्ट आपके लिए मेरे लिए, कि ये जो नियामतें मुझे दुनिया में मिली हैं और इनसे हटके कोई दूसरी नियामतें इंसान के पास नहीं होती है, मैं कैसे चेक करूं कि ये मेरे बाप दादा, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरे खानदान, और ये मेरा माल और मेरा बिजनेस, ये मेरे लिए अजाब है या नियामत है, कैसे मैं चेक करूंगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, अगर ये चीजें आपको अल्लाह के करीब कर रही हैं तो यकीन करिए ये नियामत है आपके लिए, और अगर ये चीजें आपको अल्लाह से दूर कर रही हैं तो अजाब है आपके लिए। समझ जाइएगा, अल्लाह से दूर हो रही हूं मैं इन चीजों से, अल्लाह अकबर, अल्लाह का अजाब आ रहा है मेरे ऊपर। फिर देखिए कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, कि आप अगर समझो कि शॉपिंग मॉल पे गई हैं, आप अपनी ट्रॉली में जितना सामान लेंगी तो काउंटर पे उतना तो बिल देना पड़ेगा ना आपको, क्या आप ये कहेंगे नहीं नहीं इसका बिल मत बनाओ, इसका बिल मत बनाओ, ये मुझे ऐसे दे दो वो दे दो, बोलेगा जाओ जहां मिलता है वहां चले जाओ। सेम थिंग अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं, तुम दुनिया का जितना माल, जितना ये बवाल अपनी झोली में भरते जाओगे ना, उतना ही ये तुम्हारे लिए बवाल का काम करेंगे। और अगर ठीक है ये चीजें हैं ना तुम्हारे पास, उतनी शुक्र करते रहो इन चीजों का, देखो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के रास्ते पे चलना कितना आसान कर दूंगा। या अल्लाह देखिए बहुत बहुत आसान तरीके से अल्लाह ताला जो है वो मुझे आपको समझा रहे हैं। अब आगे की क्या बात है, आगे की बात अल्लाह ताला बोल रहे हैं, दर हकीकत अल्लाह की मदद है ना जो वो तो वाक्य हो जाए, बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह की मदद जो है वो वाक्य हो गई, कभी यकीनन मदद कर चुका अल्लाह तुम्हारी बहुत सारी जंगों में, बहुत सारी जंगों में, और हुनैन के दिन पर, जब ये अब आगे जो है वो एक हुनैन, एक जंग हुई थी ओके सहाबा की और काफिरों की,
जंगे हुनैन जिसको कहा जाता है गजवे हुनैन, उस दिन क्या हुआ था? तो ऐसा हुआ था कि थोड़ा बहुत लेसन वाली बात है, जरा गौर से सुनिएगा। ऊपर जो आयतें गई ना उससे ही ताल्लुक है कि इंसान के पास जब ये चीजें आती हैं और इंसान बड़ा इतराता है ना, मुझे क्या जरूरत है अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने की, मेरे पास तो सब कुछ है। तो ठीक है ना, एक मामला सहाबा के साथ हो चुका था। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हुनैन का जरा वो वक्त याद करो जब तुम खुशफहमी में तुम्हें डाल दिया था, तुमने अपने आप को खुशफहमी में डाल दिया था। किसने? कि तुम बहुत ज्यादा तादाद में थे। तो क्या हो गया, तुम्हारी वो बड़ी तादाद ना तुमको कुछ काम नहीं आई और तंग हो गई थी तुम पर जमीन उसके फरागत के, उसकी कुशादगी के बावजूद, और तुम पलट गए थे पीठ फेर कर, नाउम्मीद होकर। जंगे हुनैन जो हुई थी ना, यानी सहाबा और ये ईमान वाले मुसलमान, कुछ ऐसे मुसलमान जिनके नए नए एकदम दीन आया था ना, तो बड़ा उसमें कि आज तो हमारे मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता। क्यों ऐसा? ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा ज्यादा तादाद, अक्सरियत कसरत होने की वजह से बड़े रुआब से ये लोग लड़ने के लिए निकले थे, और काफिरों की तादाद थोड़ी कम थी लड़ने के लिए। चूंकि जब ये निकले ना इस तरीके से, और जैसे कि बोलते ना ऐसा कि कौन है आ जाओ हमारे मुकाबले में, कौन है, कोई है माई का लाल, जरा आके दिखाए तो आ सामने, ये हाल था उनका। और हुआ क्या, अल्लाह ताला बोले ना कि तुमको कुछ काम नहीं आई, यानी शिकस्त हो गई थी उनकी। जीतते जीतते अल्लाह ने इनको हरा दिया था, इसलिए कि तुम अपने ऊपर ऐसा गुमान मत करो। ये बहुत बड़ा लेसन था, ये बहुत बड़ा लेसन था सहाबा के लिए। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि देखो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने, यानी कि बिल्कुल जो है वो इनको एहसास हुआ इस चीज का कि हमने जो गलत किया। और देखिए कि क्या होता है, एक बार पहली बात तो देखिए कि ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है उस इंसान के लिए कि अल्लाह जिसको मौका दे, खुशनसीबी है, लेकिन वो सुस्ती करे, ये बदनसीबी है उसके लिए कि सुस्ती करे वो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का तो ये वादा है, देखो जो कोई भी शख्स अल्लाह का काम खुश दिली से करेगा ना, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इन्होंने जब तौबा की तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर नाजिल किया अल्लाह ने सकून, उसका सकून, अल्लाह ने अपना सकून उसके रसूल पर और ईमान वालों पर नाजिल किया, और उसने नाजिल किया तुम पर ऐसा लश्कर कि नहीं तुम देख रहे थे उसको, और अल्लाह ने सजा दी काफिरों को, और यही सजा होती है किसकी, काफिरों की। यानी ये देखिए कि रियलाइज होना बंदे को बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, दिन पे चलते चलते आप कभी कभी बहुत ज्यादा इतरा रहे हो, कुछ हो रहा है ऐसा, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर फौरन मिले मेरे हुजूर में जो है वो माफी मांग लो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूंगा। और देखिए हुआ क्या, फतेह मिल गई उनको, फतेह मिल गई, फतेह मिली जो ना। अब हुआ क्या कि उन्होंने नाफरमानी की, उनको फिर एहसास हुआ, तौबा किया उन्होंने अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह ताला ने उन्हें जिता दिया। जाओ, और अल्लाह ताला तो जो चाहता है वो करता है, और जिसकी तौबा चाहे अल्लाह ताला कबूल करते हैं। ओके, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो सुम्मा यतुबु अल्लाह, आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की उसके बाद, और इस वर के जो उसने चाहा, फिर अल्लाह ताला ने जो चाहा वो मामला किया। देखिए अल्लाह ताला को, वल्लाहु गफुरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला। एक बात जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है ना, देखिए अल्लाह को ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके अंदर बड़ाई का एहसास हो, जिनके अंदर बड़ाई का एहसास हो। बड़ाई का एहसास किस तरीके से होता है, कि जैसे कि अगर मैंने अगर किसी का काम नहीं किया तो मेरे बगैर तो किसी का काम हो ही नहीं सकता है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देता है, इस तरीके के आपने सुना है लोगों को, अरे मैं नहीं होती ना तो तेरा ये काम नहीं होता था, शुक्र मन्ना मेरा तेरा ये काम हो गया करके, आपने ऐसे ऐसे बोल सुने कुछ लोगों के मुंह से? अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं ऐसे बोल को पसंद नहीं करता हूँ बिल्कुल, मेरे सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ऐसे मुंह के बल तुमको गिराऊंगा ना मैं कि तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसे जमीन पर उठाकर पटकूंगा तुमको कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे, कभी भी मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, जरा से अपने अल्फाज को बदलिए, जरा से अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो बोलिए ये अल्लाह का फजल है, उसका करम है, सारी अच्छी अच्छी चीजें अल्लाह की तरफ डालिए,
मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह ताला की मर्जी थी तो मेरा ये काम हो गया। ये बातें अल्लाह को पसंद होती है, ये बातें अल्लाह को जो है राजी करने वाली होती हैं। बनिस्बत ये कि अरे तुम्हें क्या पता मैंने कितनी मेहनत की इस चीज के लिए, तुम्हें क्या पता मैंने कितने पापड़ बेले, अरे तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या नहीं किया, उसके लिए किया उसके लिए किया, और देखो इन्होंने क्या बदला दिया मुझे। ये तो बड़े बड़े अल्फाज, ये तकबर इंसान बोलता है, उसके अंदर का तकबर बोलता है। अल्लाह की पनाह। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो अब आगे जो है, देखो अब एक फाइनल कॉल मुशरिकों को मिली। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था, 4 महीने की उनको टाइम पीरियड दिया गया था, 4 महीने यहाँ रहो, या तो इस्लाम कबूल कर लो, ओके, या तो फिर क्या करो, छोड़कर चले जाओ, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है मक्के में, उसके हद में रहना है, तो फिर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, जिजिया। आगे इंशाल्लाह आयतों के साथ साथ हम देखते हैं, इंशाल्लाह आयत नंबर 20 ऑफ सूरह तौबा अल्लाह ताला बता रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नाउ इट्स ए फाइनल कॉल फॉर मुशरिकीन, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदुल हराम। मुशरिक जो है ना, वो बहुत नापाक लोग हैं। आयतों को महसूस करिए जरा, बहुत ये मुशरिक नापाक है, फिर नहीं वो करीब आने पाए मस्जिद हराम के इस साल के बाद। इस साल के बाद यानी यानी कि यहाँ बिल्कुल जो है ये जो जो लाइक साल चल रहा है, ओके, जो एक टाइम पीरियड उनको दिया गया था। अल्लाह अकबर, यानी हज में जो है मुशरिक आ गए, ठीक है। मुझे पता है, आप जरा गौर करिए इन आयतों पे, तो मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। ये सोचिए अल्लाह का एहसान मानना चाहिए, आज जो कुछ मुसलमान जो शिर्क का काम करते हैं और सोचते भी नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं, और यकीन करिए अगर उन पर अल्लाह ताला शिर्क की जो है अलामतें जाहिर कर दे, शिर्क का मोहर उनके पासपोर्ट पे लगा दे अगर, तो क्या वो जा सकते हैं अल्लाह के घर को देखने को? नहीं जा सकते। ये आज के कुछ मुशरिकाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आयत है, इसमें बहुत बड़ा लेसन है। इसमें सोचना चाहिए, उनको खौफ आना चाहिए अंदर से, कि एक वो मुशरिकाने मक्का थे जिनको अल्लाह के नबी के जरिए मक्का की हद में बैतुल्लाह के तवाफ के लिए हर चीज के लिए रोक दिया गया था, और मुशरिक सिफत आज कुछ मुसलमान है जो शुरू से उनके पासपोर्ट में थप्पा लगा दिया जाए, उनके तौहीद का जो है, अगर उनके तौहीद का, उनको हज पे जाने से पहले अगर उनके तौहीद का अगर इम्तिहान लिया जाए और उनके पासपोर्ट मोहर लगा दिया जाएगा, इन केस अगर ऐसा हो तो सोचो जरा, हर बंदा जो है वो फिर तौहीद पर आ जाएगा, शिर करने को सोच भी नहीं सकता इस खौफ से कि नहीं, मुझे अल्लाह का घर देखने को नहीं मिलेगा। सुनिए, मुझे बहुत खौफ आता है ऐसी आयतों पे, बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर। अब हुआ क्या, जब ये ऐलान हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, होता क्या था, वो लोग आते थे तो इनके मतलब मक्का वालों के बिजनेस चलते थे। अरे वो आ रहे बाहर से, खरीदारी लेन देन सब कुछ होता था, तो अब उन्हें मतलब फिक्र लग गई कि अब हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। अल्लाह ताला बोल रहे, अच्छा भरोसा करो ना, भरोसा करो, और अगर तुम्हें डर है तंग दस्ती का, यानी तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा, फसौ फयुगनीकुम वल्लाहु मिन फदलिही इंशा इन्नल्लाह अलीमुल हकीम। तुम्हें अगर अपने बिजनेस के मंदा होने का डर है तो क्यों फिक्र कर रहे हो, खौफ क्यों कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा अपने फसल से इंशाअल्लाह। भरोसे की बात है, देख लो भरोसे की बात है। ये क्या बताया जा रहा है कि तुम्हें, अब कुछ लोग ये सोचने की बात है, कुछ लोग जो ये सोचते हैं अगर हमने अपनी दुकानों में शराब नहीं रखी तो दुकान कैसे चलेगी, हमारे मॉल में हराम चीजें नहीं रखी तो कैसे चलेगा, अल्लाह ताला बोले निकाल के तो देखो एक बार, उन तमाम चीजों को अपने दुकान से निकाल कर तो देखो जो अल्लाह को नाराज करने वाली है, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें कितना नवाजता है। क्यों? देखिए हलाल थोड़ा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन दैट इज इनफ फॉर यू, वो बहुत ज्यादा आपके जो है वो हलाल होगा इंसान का, तो ना बीमार होगा वो इंसान, क्योंकि हलाल रोजी उसके जिस्म में जारी, ना वो बीमार होता है वो इंसान जिसके जिस्म में हलाल रोजी जाती है, ना उसके बच्चे जो है वो नाफरमान होते हैं, ना उसके बच्चे उसको परेशान करने वाले होते हैं, और बच्चों के पीछे उसको ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है, वो थोड़ा हलाल उसके घर वालों के लिए और उसके लिए काफी हो जाता है, और ऐसा इंसान बहुत सुकून की जिंदगी गुजारता है जो अल्लाह की रजा पे राजी रहता है। अल्लाह कोई बात नहीं, हलाल दे थोड़ा ही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सरियत जो आपको हराम तरीके से मिलेगी, अल्लाह ताला मना कर रहे हैं,
इस चीज के जरिए जो है वो तुम बिजनेस मत करो तो नहीं करो, और अगर तुम सुन लोगे नहीं सुनोगे तो फिर उसके बाद हराम कमाओ जाओ, ठीक है, और यहाँ से तुम 10,000 कमा के और यहाँ 5,000 रात में ही तुम्हारे बच्चे की बीमारी आजारी में लग जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मामला हो जाएगा तुम्हारे साथ कि तुमने हराम चीज बेची और यहाँ आओ, कभी बच्चे नाफरमान, कभी बीवी बीमार, कभी शौहर खुद बीमार, कभी बच्चे बीमार, ऐसी आफतें ऐसी बलाएं इस कदर उनके ऊपर होती है कि अल्लाह की पनाह, किसी भी तरीके से दुनियावी ऐशो आराम तो बहुत अच्छे अच्छे घर मिल जाएंगे, अच्छा पहनावा हो जाएगा, जाहिरदारी बहुत अच्छी हो जाएगी उनकी, लेकिन अंदर से वो बंदा एकदम फुस खोखला, कोई दीनदारी नहीं, कोई अल्लाह का तकवा नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, कि अगर नॉन मुस्लिम से तुम्हारा मामला पड़ जाए, जब मुसलमानों का नॉन मुस्लिम से कोई मामला पड़ जाए तो उनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए, लड़ो उन लोगों से जो नहीं ईमान रखते हैं अल्लाह पर आखिरत के दिन पर, और नहीं वो हराम समझते हैं जिसको अल्लाह ने हराम किया है और उसके रसूल ने हराम कर दिया है, और नहीं वो मानते हैं इस दीन को, इस दीन हक को, और उन्हें दी गई किताब, यहाँ तक के वो क्या करें, टैक्स देकर रहें अपने हाथ से, और वो जलील होकर रहें, छोटे बन के रहें, ये अहले किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है। दैट्स इट। फतेह मक्के के बाद बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए मक्का में, अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि ऐसे, अब क्योंकि अभी नॉन मुस्लिम ही थे ना यहूदी नसारा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर नहीं चलते थे तो नॉन मुस्लिम कहलाते थे, अगर इनको इसमें रहना है मक्का में, इनको पहली बात तो इनसे लड़ो, किन लोगों से, जो आखिरत पर और अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जो अल्लाह ने हराम किया उसको हराम नहीं समझते, हाँ ठीक है तुम्हारे दीन में ऐब निकालते हैं, अगर ये रहना चाहते हैं ना तुम्हारे साथ, टैक्स दे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुसलमान नॉन मुस्लिम मुल्क में रहते हैं तो उनको कुछ जिजिया दिया जाता है, उनको कुछ टैक्स दिया जाता है, चूंकि ये तुम्हारी कंट्री नहीं है, तुम्हारा लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाएगा, तुम हमारा लॉ फॉलो करोगे, हम जो रूल्स रेगुलेशन बताएंगे उसको तुमको फॉलो करना है, और अल्लाह ताला क्या बोल रहे, छोटे बन के रहो, अब तुम अपना यहाँ पे जलवा नहीं दिखाओगे, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, अब तुम्हें मुसलमानों के साथ छोटा रह के रहना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, क्यों अल्लाह को इतना गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, पता है आपको वजह, अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं आयत नंबर 30 में, अल्लाह ताला आगे आगे आयतों में वजह बता रहे हैं कि मैं बताता हूँ तुमको मुझे इनके ऊपर क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। वो इसलिए कि वकालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाही वकालतिन नसारा मसीह इब्न अल्लाह, ये इसलिए कि इन्होंने कहा, इतनी जुर्रत देखो, कहा यहूदियों ने कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और कहा नसरानियों ने कि ईसा इब्ने मरियम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, ज़ालिका कौलुहुम बिअफवाहिम, अल्लाह तआला बोल रहे इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये तो इनकी जबान की बोली भी बात है। देखिए कितना गुस्सा आ रहा है अल्लाह को, और कितने गुस्से से अल्लाह ताला इनकी बात को बोल रहे हैं कि ये इनकी मुंह बोली बातें हैं और वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे कि काफिर बात करते हैं, जिस इनसे पहले काफिरों ने जो ये बात की। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्हें बद्दुआ दे रहे हैं कि कतलहुम अल्लाह, हलाक करे उन्हें अल्लाह, कहाँ वो बह के जा रहे हैं, देखिए जरा, इसलिए इनको गुस्सा आया था। आज का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बेटी तो अल्लाह का किसी को कहता नहीं है, फिर क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाकर जो है ना कुछ वलियों के हाथ में उसका इख्तियार दे दिया है, वो कुल मुख्तार उसको बना दिया अल्लाह ने, और ऐसा और वैसा, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह को कितना गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, देखो किस कदर, कहाँ ये बह के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कौम के अंदर बिगाड़ कैसे पैदा होता है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इंसान की साइको की तरफ इशारा किया जा रहा है, यकीन करिए आप अल्लाह के कलाम को समझने के बाद ना एकदम साइकोलॉजी इंसान की समझने लगेंगी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो कौम में बिगाड़ किस तरीके से आता है, वो इस तरीके से आता है कि बना लिया था उन्होंने अपने उलमाओं को, अपने दरवेशों को रब बना लिया था। ये क्या बात हो गई, क्या आज का मुसलमान ऐसा नहीं है, रब बना लिया था मतलब क्या है कि उनके मुल्ला ने जिस चीज को हलाल कह दिया उसको हलाल कर लेते थे, और जिस चीज को उनके मुल्ला ने हराम कह दिया उसको हराम कर लेते थे, बोलते नहीं नहीं बस मौलवी साहब ने कह दिया ना, बस हमको अब किसी की सुननी नहीं है और हमको अब कोई किताब पढ़नी भी नहीं, हमारे मौलाना साहब ने कह दिया ना ये चीज तो हलाल है, ये चीज हलाल और हराम तो हराम। अल्लाह तआला बोल रहे हैं उलमाओं को जो है अल्लाह को छोड़कर ये रब बनाते थे, और मसीह ईसा इब्ने मरियम को भी इन्होंने रब बना लिया था। अल्लाह अकबर। वम उमिरु इल्ला लियाबुदु इलाह वाहिद, जबकि इन्हें तो हुक्म दिया गया था कि किस बात का, कि यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, एक इलाह अल्लाह ही है,
उसके ही इबादत तुम्हें करनी है, ये हुक्म दिया गया था। अल्लाह ताला बोल रहे सुबहानहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनको जो है ना इस्लाम अच्छा नहीं लगता है, बल्कि ये अपनी मर्जी के दीन पर चलना चाहते हैं। अल्लाह ताला तो इनकी तमाम मुशरिकाना बातों से बहुत ही पाक है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 32 में और आगे कुछ आयतों में अल्लाह ताला जो है ना मुसलमानों की आंख खोल रहे हैं कि देखो तुम ये जो है ना गैर तुम्हारे चिराग को नहीं बुझाते। आगे जो है बात चल रही है कि ये जो है काफिर जो है अल्लाह के नूर को यानी दीन इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं 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 ये गैर मुसलमान अल्लाह के दीन को नहीं मिटाना चाहते, उसके चिराग को नहीं मिटाना चाहते, बल्कि कुछ मुसलमान हैं जो दीन इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं। किस तरीके से मुंह से फूक, यानी मुंह से फूक मारने से मुराद क्या है यहाँ पे देखो, और वो सब चाहते हैं कि वो मुंह से फूक दे और बुझा दे अल्लाह के दीन को, और वो सब इनकार अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि और नहीं रुकेगा अल्लाह, उन्हें रोकेगा नहीं अल्लाह, मगर वो पूरा कर रहे हैं और उस और अल्लाह ताला जो है वो अपने नूर को पूरा करके रहता है अगरचे जो है काफिरों को नापसंद। बस अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं अपने दीन को यानी अपने नूर को यानी अपने दीन को पूरा करके रहूंगा, मुकम्मल करके रहूंगा, और चाहे काफिरों को नापसंद ही क्यों ना हो, बोलते अल्लाह ताला ने। कितनी बड़ी बात है और ये बहुत सही बात है, जबकि चंद मुसलमान ऐसे हैं ना जो वाकई काफिरों से जा मिलते हैं ना, जब जाके काफिरों की हिम्मत पड़ती है, जबकि देखो काफिरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम के नूर को जो बुझा दे। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो आप कि इस्लाम का जो नूर है यानी इस्लाम का चिराग किसके हाथ में, जैसे कि अगर समझो कि एक बंदा कैंडल लेके खड़ा है, ठीक है, एक बंदा कैंडल लेके खड़ा है, तो वो कैंडल दूर से कोई फूक मारेगा तो बुझेगा या जिसके हाथ में वो फूक मारेगा तो बुझेगा? इट्स वेरी सिंपल आंसर कि जिसके हाथ में है वो फूक मारेगा ना तो जल्दी बुझेगा। सेम यही आज दीन इस्लाम की जिम्मेदारी मुसलमानों के हाथ में, मुसलमान उस पर किताब पर सही किताब पर अमल ना करके दीन के चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे काफिरों में क्या हिम्मत है, काफिरों को तो सही दीन भी नहीं पता, और कुछ जो मुसलमान काफिरों के साथ मिलके फिर उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफिरों की हिम्मत नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं वह लजी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, और वही वही कौन, वो जो अल्लाह वही है उसने भेजा अपने रसूल को दीन हक के साथ और हिदायत के साथ। क्यों भेजा भाई, क्यों भेजा? अल्लाह ताला मकसद बता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का, ताकि क्या करे, इजहार कर दे उसका, यानी अल्लाह ताला तमाम दीन का इजहार कर दे तुम पर, यानी दीन अल्लाह का गालिब आ जाए, तमाम दीन अल्लाह का गालिब आ जाए और मुशरिकों को पसंद भी नहीं आए, अल्लाह को कुछ परवाह नहीं है, तुमको नहीं पसंद है मुझे क्या करना है, मैं तो अपने दीन को गालिब करके रहूंगा। अल्लाह अकबर। मुझे इस यकीन करे, मैंने कहा ना कि ये आयते ने मेरी जिंदगी बदल दी, डेफिनेटली ये कोई इस बात में शक नहीं है, अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करके रहेंगे, नो डाउट। लेकिन मेरे और आपके यहाँ पर जो एक सवाल उठाने की बात है, मेरा मैं अपने खुद के ऊपर उठाऊं और आप अपना खुद ये सवाल को उठाइए कि डेफिनेटली अल्लाह ताला तो अपने दीन को गालिब करके रहेंगे, फिर मेरा हिस्सा कहाँ गया, मैंने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया, कुछ किया मैंने? ये है सवाल असल में। अल्लाह अकबर। दुआ करिए अल्लाह मेरे हिस्से का काम करने की तौफीक दे मुझे कि मैं अपने हिस्से का काम करके जाऊं दुनिया से, नहीं तो हलाक और बर्बाद हो जाऊंगी। या अल्लाह। अब आगे अल्लाह ताला जो बता रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्ना कसीरा मिनल अहबारी व रुहबानी लियाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यंकिज़ूना ज़हबा व फिज़्ज़ता وَلَيُنْفِعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ। ये भी बहुत बड़ी सख्त आयत है। यहाँ पर देखिए कि मजहबी जो उल्मा का तस्करा किया जा रहा है कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, ठीक है, बेशक बहुत से उल्मा और दरवेश अलबत्ता खा जाते हैं लोगों के माल गलत तरीके से, और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, और जो लोग जमा करके रखते हैं सोना और चांदी और नहीं वो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह के रास्ते में, तो उनको खबर दे दो दर्दनाक अजाब की।
क्या बात बताई जा रही है। यहाँ जमा करके रखने से मुराद क्या है? कि जमा करके तुम रख रहे हो और सोचते ये हो कि अल्लाह ताला इसका कोई हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी दीन के नाम पर माल खर्च करने को बहुत ज्यादा जो है वो तंग दिल होता है उनका। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दीनदार की, तस्करा किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि एक दीनदार इंसान दीन के नाम पर जो है वो पैसे लेता है और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, लोगों को रास्ते अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने का काम करता है और अल्लाह के रास्ते में ना खर्च करके अल्लाह ताला बोल रहे जाने दो इनको, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। अल्लाह अकबर, देखिए जरा। और आपको पता है कितनी सख्त सजा है उसकी? बात पूरी नहीं हुई अभी अल्लाह की, अल्लाह ताला बोल रहे जरा वो सख्त अजाब की इनको खुशखबरी तो दे दो। वो क्या है सजा? यौम युहमा अलैहा, उस दिन तापा जाएगा जो ये चीजें जमा करके रखे ना अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहे हैं, तो तापा जाएगा उन चीजों को, उन चीजों को तपाया जाएगा और जहन्नम की आग में, यानी चांदी सोना सब मेल्ट करेंगे अल्लाह ताला जहन्नम की आग में, और दागा जाएगा उसको, वो मेल्टेड चीज को उनके पेशानियों पे दागा जाएगा, उनके पहलुओं पे दागा जाएगा और उनकी पीठों पे दागा जाएगा। और उनसे क्या कहा जाएगा? ये वो माल है जिसको तुमने जमा करके रखा था अपने लिए, लो चखो जो तुम जमा कर रहे थे। अल्लाह की पनाह। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु, अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना। देखिए जरा कितनी सख्त आयत है, कितनी सख्त आयत है। किसी भी चीज के लिए नहीं आई है इतनी सख्त आयतें कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो ऐसा करूंगा, तुम अगर हज नहीं करोगे तो ऐसा करूंगा, तुम रोजा नहीं रखोगे तो ऐसा करूंगा। आई है इतनी सख्त बातें तो किसके लिए आई है? कि तुम जो माल जमा करके रखते हो, बताओ यह है कोई वजीफे की चीज है? इतनी खूबसूरत बात, इतनी वईद वाली बात आज जिंदा आदमी पढ़ ले तो क्या वो अपने माल अपने पास जमा करके रखेगा? यकीन करिए इन आयतों ने जो अंदर से झिझोड़ा है ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ नहीं जमा करके रखा। आज अगर अगले 5 मिनट में भी मेरी मौत आ जाए ना, तो मुझे कोई फिक्र नहीं कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मैं एकदम बेफिक्री की मौत, इतना तो कह सकती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से मैं बहुत बेफिक्री की मौत मर सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ नहीं जमा कर रखा अपने पास, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं इन चीजों को जमा करूं और अल्लाह की पनाह की ऐसी जो है वो सजाओं के हकदार हो जाऊं। तो जो लोग जमा करे हैं ना, और आपको पता है ये कंज किसको कहा जाता है? देखिए माल अपनी जगह अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है अपनी जगह, लेकिन उसका हक अदा करो। और यहाँ पर देखिए कंज लिखा है, वह कंज, कंज कहा जाता है उस माल को जिसकी जकात अदा ना की जाए, जिसकी जकात अदा ना की जाए तो वो तुम्हारे लिए कयामत के दिन बवाल का काम करेगी। अल्लाह की पनाह। अल्लाह हू अकबर। दे दीजिए आपके पास जो कुछ भी है अपनी जिंदगी में, दे दिला के जाइए, ताकि अल्लाह ना करे कि आपके साथ ये मामला अल्लाह ताला करे। बहुत सख्त बात है, बहुत सख्त। किसी एक बच्ची का मैंने नाम सुना था, ये कंज, किंजा, किंजा कुछ नाम था। अल्लाह की पनाह, आया है अल्लाह के कलाम में तो रख दो नाम, जबकि ये वो माल है जिसकी वजह से इंसान को जहन्नम में ये आग और आखिरत में ये जो है सजा सुनाई जाएगी। देखिए जरा, मैंने उसकी माँ से कहा तो बोले तो क्या हो गया, खजाना ही तो है ना। अल्लाह अकबर। बहुत सोच समझ के बच्चों का नाम भी रखा करो। फिर ये देखिए कि कंस, ओके, और जकात, और जकात से, जकात के जरिए अपने इस माल को पाक कर लीजिए और इस्तेमाल करिए, और अपने आप को इस आग से बचा लीजिए। इतनी सख्त आयते हैं ना, अल्लाह की पनाह। ओह, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, देखो आगे, अब आगे की जो आयते हैं ना, ये आयत नंबर, ओके, ठीक है, आगे जो अगली आयते हैं, कुछ आयतों में अल्लाह ताला ने जो है मुशरिकाने मक्का की कुछ बिदत की तरफ जो है वो इशारा किया, कुछ बिदत की तरफ। तो देखते हैं कि मुशरिकाने मक्का की कुछ बिदतें क्या थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक बेशक गिनती सालों की जो है,
साल में जो महीने होते हैं उसकी गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं अल्लाह के लिखे के मुताबिक। जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है उसी दिन से अल्लाह ताला ने जो है वो 12 महीने साल के तय कर दिए हैं, जो हम इस्लामिक महीने देखते हैं ना ना। तो अल्लाह अल्लाह ने जब से जमीन आसमान बनाया, जब से दुनिया बनाई, जब से अल्लाह ने ये किया है, और जब से ही अल्लाह ताला ने 4 महीने हुरमत वाले फिक्स कर दिए। और अल्लाह ताला बोले ज़ालिक दीन क़य्यूम, ये जो दीन है ना मेरा ये बहुत मजबूत है और सीधा है, बहुत सच्चा दीन है। अल्लाह ताला इस चीज की खुद गवाही दे रहे। फिर करे क्या इस 4 महीनों में? अल्लाह ताला बोल रहे फिर नहीं तुम जुल्म करो अपने आप पर, अपने आप पर जुल्म मत करो, और जो है वो तुम जंग मत करो, लड़ो मत मुशरिकों से, एकजुट होकर यानी एक साथ होकर काफिरों से और मुशरिकों से मत लड़ो, जैसे वो जंग करते हैं तुमसे एक साथ मिलकर, यानी तरह बोल रहे ऐसा मत करो। वह आलम अल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह जो है मुत्तकियों के साथ है। मतलब अल्लाह ताला तुम्हें ये हुक्म दे रहे हैं ना तो इसको गौर से सुनो। अब होता क्या था, वो थोड़ा सा एक बिदत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि देखो ये जो होते थे ना मुशरिकान मक्का, 4 महीने कौन से हुरमत वाले, मैंने पहले भी आपको बताया, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रमुल हराम एंड एक रजब का महीना आता है। अब चूंकि मुशरिकान मक्का जो थे ना इनको लड़ने भिड़ने की उनके, यानी आप समझो कि जंग करना, लड़ना, लड़ाई फसाद, ये सब उनके ना खून में शामिल था। अब ये 3 महीना अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते थे, क्या करे, बहुत दिन से लूट मार नहीं करे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, क्या करे क्या करे। तो एक बिदत की तरफ इनका इशारा किया जा रहा है आयत नंबर 37 में, अल्लाह ताला बोल रहे इन नसी उजियाद तुम फिल कुफ्र यज़ुल्लु बिही लदीना कफरु युहिल्लूनहु आमन व युहर्रमूना युहर्रमूनहु आमन लि युवातिउ इद्दता मा हर्रम अल्लाहु فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ। बेशक नसी, नसी जो है ना दर हकीकत महीनों में उलट फेर को बोलते हैं। एक रस्म थी उनकी जिसका नाम था नसी, यानी महीनों का उलट फेर। अल्लाह ताला बोल रहे नसी, दर हकीकत महीनों में उलट फेर करना ये असल में कुफ्र है। गुमराह किए जाते हैं इसमें वो लोग जो नाफरमान हैं, और वो हलाल कर लेते थे किसी महीने को एक साल में और हराम कर देते थे उसी महीने में किसी दूसरे दूसरे साल में। इस तरह वो पूरा करना चाहते थे उस गिनती को जो हुरमत वाले महीने हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो हलाल कर लेते थे उसे जिसे अल्लाह ने हराम किया है। ये इनके अमल की वजह से शैतान जो है ना इनके अमाल को डेकोरेट कर देता था, और अल्लाह नहीं हिदायत देता है ऐसे काफिरों को। अल्लाहु अकबर। क्या करते थे पता है, ये जिल हज्जत चला गया, मुहर्रम का जब महीना आता था ना, अभी बोलते थे ओहो 2 महीना बड़ा हमने सबर कर लिया। तो क्या करते थे पता है, मुहर्रम का जो महीना, फॉर एग्जांपल दिस ईयर मुहर्रम को, वो मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता था, तो सफर को मुहर्रम कंसीडर करते थे कि नाउ दिस ईयर मुहर्रम का महीना इज द सफर का महीना। सफर का महीना जो है वो हुरमत वाले महीनों में नहीं आता था, तो क्या करते थे अपनी खूब मनमानी करते थे, जो दिल में आता था वो सब करते थे, सब करते थे। अब क्या हुआ, अब उसके बाद जो है, अब सफर का जो महीना आता था ना बोलते थे नहीं नहीं हमारे लिए ये मुहर्रम का महीना है, बाबा अब हम कुछ नहीं करेंगे। और इस तरीके से दूसरे साल क्या करते थे, सही रहते थे। फिर नेक्स्ट ईयर मुहर्रम का महीना सफर का, सफर का महीना मुहर्रम, ऐसे एक साल ऐसे, एक साल ऐसे, एक साल ऐसे, ऐसे कर करके गिनती पूरी कर लेते थे। अल्लाह अकबर। और क्या करते थे पता है, जिस साल यानी कि हज के यानी गर्मी जो है ना, गर्मी के महीने में हज अक्सर करके आता था, गर्मी गर्मी बहुत रहती थी, तो ये क्या करते थे, बोलते थे नहीं ये साल हज का महीना जो है ना बहुत गर्मी है ना, चलो हम अगले साल है ना हज कर लेंगे, और उस साल जब गर्मी नहीं रहेगी। इस तरीके से महीने को हेर फेर हेर फेर हेर फेर। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको बात मेरी समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल के सचिव समझो कि जैसे आप अभी जनवरी का महीना है, तो आप ये बोलो चूंकि जनवरी महीना इज अ हुरमत का महीना, तो मैं फरवरी महीने को जनवरी महीना कर दूंगी, और जनवरी महीने को फरवरी महीना कंसिडर करके मैं अपनी मनमानी कर लूं जो मुझे करना है। अरे आप ये बताइए, बिदत नहीं है तो क्या है? दीन में अपनी मर्जी चलाना इज द बिदत। बिदत क्या होता है, नई चीज इन्वेंट करना, लेकिन कंपल्सरी है कि दीन में, दीन में नई चीज का इन्वेंटर जो होता है बिदअती कहलाता है,
और अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसे काफिर लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जो लोग दीन से फिरे होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देते। अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखिए सच में मतलब इनको समझ ही नहीं आता है। आज के मुसलमानों को बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी आयतें समझाना, क्यों नहीं समझते हैं लोग? मुझे बहुत अफसोस होता है कि क्यों अल्लाह के कलाम को समझ कर नहीं पढ़ते। कितनी कितनी सारी चीजों का अल्लाह ने खुलासा करके दे दिया है। अल्लाह हू अकबर। अब यहाँ पर देखिए कि अगली जो आयतें हैं उसको बहुत गौर से सुनिएगा। तबूक का जो है असल जिक्र इंशाल्लाह मैं अगली आयतें जो तबूक के ताल्लुक से ही आ रही है। तबूक एक जंग थी, जंग तबूक, जो इस्लाम की लास्ट जंग थी। उसके बाद कोई जंग नहीं हुई, लेकिन बहुत जबरदस्त जंग थी, बहुत जबरदस्त। यकीन करिए कि तबूक का जो ये अहवाल, जो हाल आयतों के जरिए अल्लाह ने बयान किया है ना, यकीन करिए इन आयतों ने वाकई मुझे अंदर से बहुत झिंझोड़ा था, बहुत ज्यादा। इतनी सख्त आयतें कि क्या वजह है, क्या वजह है कि इंसान क्यों सही दीन पर अमल नहीं करता, क्यों वो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलता है। और यकीन करिए कि अभी भी जब यह आयतें मैं पढ़ाती हूँ ना, तो बहुत अंदर से मैं हिल जाती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं रोने से नहीं तो रोती रहूँ, बस रोती रहूँ, पढ़ाऊँ क्या आपको। इतनी खूबसूरत आयतें, इतनी खूबसूरती से अल्लाह ने बयान किया है कि अल्लाह का वो दर्द नजर आता है कि क्यों मेरे बंदे मेरे रास्ते में कोशिश नहीं करते, और जो करते हैं उनका क्या अजर है, जो नहीं करते उनको क्या सजा है। इतनी खूबसूरत तरीके से, मतलब इन डिटेल तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। इंशाल्लाह 11वां सिपारा जब शुरू होएगा ना, इंशाल्लाह कल अल्लाह के हुक्म से जब हम देखेंगे कि वहां पे देखेंगे कि असल क्या थी वो। यहाँ बस देखिए कि इतना इतनी सी बात है जो वो सीख लीजिए आप, कि अल्लाह अपने दीन का यानी जब अल्लाह के दीन के तकाजों के वक्त जब लोग हैं ना जाती जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं ना, अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि आयतों की एग्जाम्पल बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बात समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली लाइफ में, कि आज अगर मेरी क्लास को मेरी ज़रूरत है और मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी की किसी मसरूफियत की वजह से क्लास को अहमियत ना देते हुए अपने किसी काम को अहमियत देकर मैं इतनी बिजी हो गई कि मैंने अल्लाह के कलाम को पीछे छोड़ दिया, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह मुझसे इतना नाराज होगा, इतना गुस्सा होगा ना अल्लाह ताला, और मेरी पकड़ कैसे करेगा मुझे खुद नहीं समझ आएगी कि अल्लाह ने क्लास को मैंने इग्नोर किया और अल्लाह ने मेरी पकड़ की। मुझे तो बहुत खौफ आता है इन चीजों से। और अल्लाह का शुक्र है कि चाहे बीमार हूँ, कुछ भी हो, अल्लाह ताला कैसे भी घसीट घसीट के ले जाता है, नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे चलना है, तुझे रुकना नहीं है बिल्कुल। तो हो सकता है कि इन आयतों से अल्लाह ताला आपका भी दिल खोल दे। मैं इसी नियत से इन आयतों को आपको समझाऊंगी, और आप भी अगली अब जो भी आयतें चलेंगी आखिर तक सूरह तौबा की, इस नियत से सुनिए कि अल्लाह तू मेरे दिल को भी, भले किसी तबूक में नहीं जाना है मुझे, किसी जंग में नहीं जाना है, लेकिन मेरा हिस्सा कहाँ गया अल्लाह ताला, सवाल किया करो अपने आप से। आयतों के साथ साथ बात करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छी होगी बातें, इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 38 ऑफ सूरह तौबा। और देखिए कि ये बात करके मुझे तो ऐसा फील हो रहा है अल्लाह ताला कितना डांट रहे ईमान वालों को, कि ऐ मुसलमानों, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, क्या हो गया है तुमको? जब तुमसे कहा जाता है कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो तुम एकदम जमीन से चिमट कर रह जाते हो। जमीन से चिमट कर रह जाने से मुराद क्या है यहाँ पर? सो जाते हो, ये नहीं है। मटेरियलिज्म, मादा परस्ती में रह जाते हो। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे शोहर, मेरी जॉब, ये चीजें जो तुम्हें दुनियावी फायदा दे रही है उससे लग कर रह जाते हो। क्या हो गया है तुमको? क्योंकि देखिए जंगे तबूक इज ए कॉमन अनाउंसमेंट टू ऑल मुसलमान कि निकलो निकलो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि कुछ लोग रुक गए थे, कुछ लोग निकले थे। बहुत लेसन वाली आयतें, बहुत ही ज्यादा। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो क्या बात थी, अच्छा ये बात थी, अरादै तुम बिल हयाती दुनिया मिनल आखिरा, कि तुमने पसंद कर लिया था दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में, यानी तुम दीन को छोड़कर दुनिया का सामान लेने की सोच रहे थे, ये सोच रहे थे तुम। फिर सुन रखो, फमा मताउल हयाती दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील, दुनिया का फायदा जो है वो थोड़ा ही है आखिरत के बदले में। आज तुम दुनिया के काम की वजह से मेरे दीन को अहमियत नहीं दे रहे हो,
मेरे दीन का काम नहीं कर रहे हो, मेरे दीन को नहीं फैला रहे हो। ये बात है तो सुन रखो, आखरत का फायदा बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है दुनिया की बनिस्बत। अल्लाह ताला ये बता रहे, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे, इल्ला तनफिरु युअज़िबुकुम अज़ाबन अलीमा। कितनी डांट है इस बात में, देखो ठीक है ना, नहीं निकल रहे मत निकलो, फिर अल्लाह की तरफ से दर्दनाक अजाब के लिए तैयार रहो, देगा अजाब तुमको वो। और दर्दनाक पीछे हमने आयतों में देखा कि जो लोग दुनिया के सामान की वजह से, अपने घर बार की वजह से, जॉब की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से अल्लाह के रास्ते में नहीं आते, सही दीन पर अमल नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला इन्हीं सामान को उनके लिए आजमाइश बना देता है। फिर उनको बीमारी में मुबतला कर देगा, जॉब में नुकसान कर देगा, किसी भी तरीके से रिश्तेदारियों से जो है आपके झगड़े लड़ाई चलते रहेंगे, बेसुकूनी की लाइफ आपको देगा। दैट इज ए वेरी कॉमन वर्ड, डिप्रेशन में आप चले जाओगे। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि उनको अल्लाह की कॉल आई, अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है, करो ना, क्यों नहीं करते हो, और उन्होंने घर में बैठने को पसंद किया, अल्लाह ने उनको डिप्रेशन की बीमारी दे दी। हालांकि मैं नहीं समझती ये कोई बीमारी है, ये एक रोग ऐसा है अल्लाह से दूरी इख्तियार करने का, उससे दीन से दूरी इख्तियार करने का। एक अल्लाह ने उनको अजाब की सूरत डिप्रेशन दी। या अल्लाह, अल्लाह तआला बोल रहे इल्ला तनफिरु युअज़िबुकुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह तआला बोल रहे, अरे चलो ना अल्लाह की तरफ, क्यों नहीं चलते हो, जाओ निकलो अल्लाह की तरफ, इससे पहले कि तुम्हें दुनिया से ही निकाल दिया जाए और चार लोगों के कांधों पे तुम जो है वो कब्रिस्तान चले जाओ। बहुत डांट है ना आए तुम्हें, बहुत ज्यादा डांट है। और ये मत भूलो, कोई बात नहीं, मत आओ ना दीन का काम करने के लिए, आज अगर मैं बैठ जाऊंगी तो अल्लाह ताला बोले जाओ ना, मुझे तेरी जरूरत भी नहीं आती, तू जा। वयस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदरुहु शैया। अल्लाह ताला दूसरे लोगों को ले आएगा, ऐसे लोगों को कि जिसका नहीं तुम बिगाड़ सकते हो उसका कुछ भी। फिर जो इंसान दीन पर ठुक जाता है ना, किताब और सुन्नत पे, यकीन करिए, यकीन करिए, इस बात में इतनी सच्चाई, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ पाता है कुछ भी। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं। या अल्लाह, दुआ करिए फौरन, अल्लाह तू हमें ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना, तेरे दीन पर चलने वाला बना। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला पुकार कर कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला कि देखिए आप लोगों पे नजर मत रखिए। आप भी कोई सोचे कि क्या करूं, तुम्हें क्या पता, तुम तो मुझे इतना बुलाती हो क्लास में, आप पढ़ पढ़, तुम्हें क्या पता कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है, मेरे घर से अकेले परमिशन नहीं है, मैं अकेले आ नहीं सकती हूँ, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, इल्लतन सुरुहु फकद नसर वही। कोई बात नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग दीन में आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो आपकी मदद कर चुके हैं। किस वक्त? उस वक्त जब आपको निकाला गया था, वो लोग आपको निकाल रहे थे, काफिर लोग। कभी हिजरत की तरफ इशारा किया जा रहा है, मक्का से जब हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे मदीने की तरफ, कौन थे उनके साथ? ये काफिर आपको निकाल रहे थे। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि काफिर आपको निकाल रहे थे, उस वक्त को याद करो, मैं आपकी मदद कर रहा था ना, दो में से दूसरे थे आप, दो में से दूसरे थे। जब वो दोनों गार में थे, जब वो कह रहे थे लिसाहिबी ला तहज़न इन्ना अल्लाह मअना, कि गम ना कर बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत इतनी खूबसूरत लगती है, इंसान कभी अपने आप को दीन में अकेला महसूस करे ना, तो यकीन करे इस आयत को याद कर ले। उस वक्त कौन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार सोर में दोनों हैं वहां पर अंदर, और उसके बाद, और बहुत कॉमन स्टोरी है ये तो, कि मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा मुसलमान होगा जिसको हिजरत का ये वाकया पता नहीं होगा। क्या हुआ था सोचिए जरा, ये होती है सबसे बड़ी धारस एक अल्लाह वाले की, जो वो दूसरे अल्लाह वाले को देता है, क्यों हम कर रहे हो, अल्लाह हमारे साथ है। पहला मौका था हिजरत का, और आपको पता है कि जब उमर, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एवरी नाइट, यानी ये हुक्म था कि रात में मतलब सफ़र करेंगे, रात में हिजरत का हुक्म आएगा, और
नहीं अबू का सिद्दीक रज़ी अल्लाह नहीं, नहीं हमेशा तैयार रहती थी। कब आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुझसे कहें कि चलिए अब बिल्कुल निकलना है सफ़र पे। और उसके बाद फिर अब ये कि दुश्मन पीछे, काफिर इतना पीछे लगे हुए हैं, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए थे, तो उनको अपने कंधे पे लेके और चल रहे चल रहे चल रहे गौरे सूर। और यकीन करिए कि अभी जब उमरे पे जब हम गए, हमको ज़ियारत पे ले जाया गया था, गारे सूर को हम लोगों ने देखा। ये सोचिए कि अभी वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा, उस वक्त में तो हर जगह पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। आज स्मूथली हम जो है वो बस में एयर कंडीशन बस में बैठकर सफर कर रहे हैं। तो उस यकीन करिए वो देखकर गारे सूर को तो अंदर से इतना दिल रोया कि कैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर लेकर जा रहे थे, और यानी कि बिल्कुल उसे पंजे के बल, पूरा पैर भी नहीं रख के, यानी पंजे के बल। तो मुझे समझ नहीं आया कि पंजे के बल क्यों जा रहे थे। इसलिए कि मतलब दुश्मन जो है वो पूरी तरीके से पंजे यानी निशान देकर उनके पीछे पीछे नहीं आ जाए। और जब उसके बाद फिर गारे सूर में जब दाखिल हुए, तो कितने जो सांप के बिल, और उन्होंने अपने जो है वो कपड़ों से सारे सुराख को बंद किया। एक सुराख जो खुला रह गया था, तो उस पर उन्होंने अपने पैर को, पैर से उसको बंद किया। और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यानी कि उनका सर मुबारक अपनी गोद में लिटाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। और उस सांप ने जो डस लिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उससे यानी कि आवाज़ नहीं की कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब आँख ना खुल जाए, नींद से बेदार ना हो जाए। और इतनी मोहब्बत से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। और यानी उस वो रात कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। सोचिए ज़रा, काफिरों का डर, दुश्मन पीछे लगे हैं, और इतनी खूबसूरत रात, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की गोद में रखा हुआ था। देखे जा रहे देखे जा रहे, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनकी आंखों से एक आंसू टपक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिर गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई, नींद बेदार हो गई उनकी। और फिर पूछा कि क्या हुआ, कुछ तकलीफ़ है? तो बोले नहीं। फिर क्या हुआ, खौफ आ रहा है? बोले नहीं। घर वालों की याद आ रही? बोले नहीं। उसके बाद जब जाहिर हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की तकलीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे घर वाले आप पर कुर्बान। और फिर उसी वजह से उनकी कब्र मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास है, और जन्नत में भी वो उनके साथ उनके पास रहेंगे। देखिए कितनी कुर्बत, कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किस तरीके से अल्लाह ताला मदद करते। देखिए उस रात को, और उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहते थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने से, आप सब कुछ मुझसे ले लीजिए, बस वो एक रात मेरे नाम कर दीजिए। कितनी मतलब हिरस रहती थी नेकियां करने की सहाबा को, कितनी ज़्यादा हिरस रहती थी। आज का मुसलमान बिल्कुल एकदम ठप करके बैठा है। क्यों? आज के मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो सहाबा के इस किरदार को पढ़े, अपने ईमान को ताज़ा करे। क्यों पढ़े सहाबा के किरदार को? ताकि अपने ईमान को जो है वो और पुख्ता करे, और ज़्यादा जो है वो ईमान में बढ़ावा पैदा करे।